तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट्स नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स फॉर इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा एन एच एस आर सी एन एच एस आर सी मीन्स नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स रिसोर्स सेंटर दिस इज ए प्रीमियर थिंक टैंक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका काम क्या है इसका काम है टू हेल्प द स्टेट्स इन क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज एंड द स्ट्रेटिक डिवेलपमेंट राइट अगला क्वेश्चन है नागोर्नो कराबाग नागोर्नो कराबाग इज़ ए रीजन विच इज़ डिस्पूटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आर्मेनिया एंड अजरबाइजान देखिए ये मैप है इधर सी है इस साइड में सी के वेस्ट साइड में अजरबैजान और आर्मेनिया और ईरान इन तीनों के बीच में एक रीजन है वो है नागार्नो करबाख रीजन 1991 से पहले जब सोवियत यूनियन थी तो ये सब सोवियत यूनियन का पार्ट था जब सोवियत यूनियन का डिजोल्यूशन हुआ तो उसके बाद ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ के रूप में फॉर्म में आए लेकिन यहाँ पे जो ये पार्टिकुलर रीजन है अंडर द टेरिटरी ऑफ अजरबैजान बट बेसिकली यहाँ पे जो लोग रहते थे वो एथनिक आर्मेनियंस थे तो ये जो एथनिक आर्मेनियंस थे ये लोग अपना एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री चाह रहे थे और यही जो वजह थी वो इन दोनों के बीच में इस पार्टिकुलर रीजन को लेके डिस्प्यूट है आपके एग्जामिनेशन के अंदर दो तीन चीज़ें यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट है जो बता देता हूँ आर्मेनिया और अजरबैजान। इन दोनों के बीच 2016 में एक वॉर हुआ था एक बैटल हुई थी ठीक है और इट वाज नोन एज फोर डेज वार फोर डेज ये चार दिन की जो लड़ाई थी फोर डेज वार वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुई थी आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में ठीक है दूसरा चीज़ दूसरा जो रेलिवेंट फैक्ट है आपके लिए दूसरा है लाचिन कॉरिडोर उसकी लोकेशन लाचिन कॉरिडोर जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो कहाँ है तो ये लाचिन कॉरिडोर जो है ये अभी न्यूज़ में भी था लाचिन कॉरिडोर क्या है कि यहाँ मैप में देखिए आर्मेनिया जो है इसका अजरबाइजिन को जो एक्सेस है वो एक बिल्कुल छोटे से कॉरिडोर के थ्रू है यहाँ पे ठीक है उसको लाचिन कॉरिडोर बोलते हैं और अभी कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अजरबैजान ने अपना एक चेकपोस्ट यहाँ इस कॉरिडोर के ऊपर लगा दिया था तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में फिर से आया था कि उनके बीच में तनातनी फिर से बढ़ी है तो अगर आपसे पूछा जाए लाचिन कॉरिडोर किन दो कंट्रीज़ के बीच में तो दैट इज़ आर्मेनिया एंड अजरबैजान और ये नगर्नो कराबाख रीजन को अप्रोच करने के लिए आर्मेनिया के पास में ओनली वे आउट है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगला प्रश्न है एज पर द रिसेंटली रिलीज नेशनल हेल्थ Accounts estimates फॉर इंडिया 2019-20, which विच इज़ द शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और दूसरा है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ये दोनों कंसेप्ट आपको समझनी है पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको वो है 47.1 परसेंट ठीक है और 47.1 परसेंट जो है दैट इज़ द शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर अब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज द डायरेक्ट पेमेंट मेड बाई द इंडिविजुअल्स और हाउस टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द मेडिकल सर्विसेज ठीक है कोई पर्सन बीमार हुआ वो हॉस्पिटल जाता है हॉस्पिटल में उसके उसके हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस होते हैं उसके मेडिसिन के होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स होते हैं और लास्ट में बनता है उनका एक सारे चार्जेस का बिल ठीक है अब इस बिल में से एक अमाउंट होता है जो उसका इंश्योरेंस कवर कर लेता है हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कवर कर लेता है माइनस हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट और इसके अलावा कुछ सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट देती है हेल्थ के ऊपर आप उनको भी एक बार निकाल दीजिए उसके बाद में जो खर्चा उनको देना है वो हो गया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ठीक है यानी आपका हेल्थ इंश्योरेंस हटा लीजिए आपको जो सब्सिडीज़ मिली है वो हटा लीजिए उसके बाद में जो ख़र्चा आपको अपनी जेब से देना है उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं अब देखिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज पार्ट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ये जो है व्हाट डज इट इंडिकेट ये इंडिकेट करता है कवरेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ देखिए जितना ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा उतना ही कम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है तो अगर जो फ्रैक्शन द फ्रैक्शन ऑफ़ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये ये बताता है कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज किसी भी कंट्री में या रीजन में या स्टेट में कितना ज़्यादा है और ये जब घटता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जब घटता है तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ वो कंट्री बढ़ रहा है यहाँ पे 47.1 परसेंट है गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये बासठ परसेंट था पहले 62.6 परसेंट था एंड नाउ इट हैज रिड्यूस टू 47.1 परसेंट दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया ए एच सी आई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली ये प्रगति मैदान में हुई थी और इसका जो फोकस था वो मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ों में था मेडिकल टूरिज्म ठीक है तो यही चीज़ आपको याद रखनी है कोई ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन सिर्फ ये है कि अगर ये कॉन्फ्रेंस का वेन्यू पूछते हैं तो आपको दिल्ली का प्रगति मैदान ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसफल कार्बोनेशियस पार्टिकल इस्फिरोडल कार्बोनेशियस पार्टिकल इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ इनमें से बताना है आपको किसका कॉम्पोनेंट है एस सी पी एस सी पी ठीक है इनको हम बोलते हैं सूट पार्टिकल्स ऑल्सो सूट जो धुआं होता है वो हो गया सूट पार्टिकल्स धुएं में जो कार्बन होता है बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के नैनोमीटर्स के रेंज में ठीक है उसको हम सूट बोलते हैं या सूट पार्टिकल्स बोलते हैं और ये उसके बारे में पूछ रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लाई एश ठीक है एज पर रिसेंट स्टडी ट्रीज एंड क्रॉप्स एंडमिक टू विच कंट्री हैव हायर एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स ये कोई स्टडी है जिसने ये कहा है कि इंडिया में जो पौधे पेड़ पौधे मिलते हैं उनमें से बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि हायर एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडोक्स इंडेक्स वाले हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है पहले मैं आपके जवाब दे दूँ उसका क्वेश्चन तो इंडिया ही होगा इसका आंसर तो इंडिया ही होगा कंसेप्ट है एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स क्या है ए पी टी आई दिस इज़ एन इंडेक्स विच डिनोट्स द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू एयर पोल्यूशन कोई भी प्लांट एयर पोल्यूशन को कितना टोलेट टोलरेट कर सकता है एयर पोल्यूशन को कितना टोलरेट कर सकता है वो हो गया उसका ए पी टी आई ठीक है ये एक से लेके हंड्रेड तक हो सकता है जन प्लांट्स के अंदर हंड्रेड के आसपास ए पी टी आई होता है वो रिकमेंड किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ये हो सकता है कि आपको चार प्लांट्स दे दिए उन्होंने एग्जामिनेशन में और पूछा कौन सा इनमें से ज़्यादा ए पी टी आई वाला हो सकता है ठीक है तो कुछ एग्जाम्पल्स आप नोट कर लो पीपल का ट्री जो है इंडिया में खूब पाया जाता है पीपल ट्री फाइकस रिलीजियोसा हायर ए वाला प्लांट है इसको सेक्रेड फिक भी बोलते हैं दूसरा है एलोवेरा हो गया एलोवेरा इसी तरह से पिंग पोनेटा जिसको हिंदी में करंज की करंज भी बोलते हैं करंज वो है और ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो इसके अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि दीज आर सम ऑफ द प्लांट्स हैव हायर एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है छब्बीस अप्रैल को ये मनाया जाता है छब्बीस अप्रैल उन्नीस को एक ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना शुरू किया था जिसका नाम था वीपो डब्ल्यू आई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अब क्या है ये वीपो ये है एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जिसका नाम है वीपो वीपो जो है इट कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जिसमें पेटेंट्स आ गए ट्रेडमार्क्स आ गए कॉपीराइट हो गया इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो गए जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गए ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया ये सारी चीज़ें ठीक है और इसके अलावा जो इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं कॉपीराइट से रिलेटेड उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी डब्ल्यू करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ नवरत्ना सी पी एस इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री देखिए तीन है तीन कैटेगरीज होती है मिनी रत्ना नवरत्ना और फिर आती है महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ये सरकारी कंपनियां हैं और इन सरकारी कंपनियों में जो बेस्ट होती हैं जिनका हाईएस्ट टर्नओवर होता है जिनका हाईएस्ट अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है वो नवरत्ना और महारत्ना में आती हैं जिनका थोड़ा सा नीचे लेवल पे होता है उनको लेकिन कंसिडरेबल होता है उनका जो है मिनी रत्ना में उनको लिया जाता है और मिनी रत्ना से उनको अपग्रेड किया जाता है जब उनका बिजनेस बढ़ता है तो नवरत्ना में और नवरत्ना से फिर वो जो है और ज़्यादा अपग्रेड होकर के महारत्ना कंपनी बनती है अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं नवरत्ना और महारत्ना जनरली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में चार ऑप्शन दे देंगे कौन सी इनमें से नवरत्ना या महारत्ना कंपनी से तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं रेल विकास निगम लिमिटेड जो है पहले नवरत्ना पहले ये मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी थी मिनी रत्ना और अभी जो है ये बन गई है नवरत्ना ठीक है अब इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स पहले दे दूँ कि महारत्ना और नवरत्ना आज की तारीख में कौन कौन सी हैं एट प्रेजेंट कौन कौन सी है महारत्ना के अंदर टोटल बारह कंपनियां हैं और नवरत्ना में टोटल तेरह कंपनियां हैं महारत्ना के अंदर आ गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कोल इंडिया लिमिटेड गेल इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एन टी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दीज आर इंडियाज़ महारत्ना कंपनीज ठीक है अगला चीज़ है तेरह जो कंपनियां हैं फिलहाल वो नवरत्न है इनके अंदर रेल विकास निगम जो है ये अभी एंटर हुआ है लेटेस्टली बाकी कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हो गया हिंदुस्तान एयरॉटिक्स लिमिटेड हो गया महानगर टेलीफोन निगम हो गया ये सारी जो कंपनियाँ हैं ये सब नवरत्ना है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि नवरत्ना कंपनीज वो होती हैं जो एक पार्टिकुलर जो पहले से मिनी रत्ना थी मिनी रत्ना कैटेगरी वन थी मिनी रत्ना और फिर इनकी स्क्रूटनी होती है टोटल सिक्स पैरामीटर्स के ऊपर ठीक है गवर्नमेंट ने सिक्स पैरामीटर्स डिसाइड किए हुए हैं और वो सिक्स जो सो सिक्स पैरामीटर्स हैं उनमें उनका आ गया नेट प्रॉफिट कितना है भाई नेट प्रॉफिट ठीक है और इनका नेट प्रॉफिट के ऊपर हो गया इनकी मैन पावर कॉस्ट कितनी है अर्निंग पर शेयर कितनी है इनका इंटरसेक्टरल परफॉर्मेंस कितना है और इसका जो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स तो ऐसे करके टोटल सिक्स पैरामीटर्स हैं जब वो इनको क्रॉस कर लेती है जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड ने अभी वो सारे पैरामीटर्स पास कर लिए तो देन फ्रॉम मिनी रत्ना इट वाज अपग्रेडिड टू नवरत्ना लेकिन नवरत्ना से महारत्ना बनने का जो प्रोसेस है महारत्ना कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी होती है इंडिया की सबसे बड़ी सी पी यही होती हैं तो इनका जो जब नवरत्ना से महारत्ना में कोई चीज़ अपग्रेड होती है तो उसकी पहली जो क्राइटेरिया है वो ये है कि पहले से इट मस्ट हैव बीन ए नवरत्ना इस कंपनी दैट इज़ फर्स्ट थिंग ठीक है नवरत्ना तो होनी होनी चाहिए पहले से ही अब उसके बाद में तीन क्राइटेरिया हैं जिनको पूरा करने पर कोई भी नवरत्ना जो है वो आ, आ, महारत्ना में कन्वर्ट कर दी जाती है पहला है तीन नहीं बल्कि चार या पांच होंगे मैं बता देता हूँ आपको पहला है कि इट मस्ट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस राइट पब्लिक कंपनी है और स्टॉक एक्सचेंज के, के अंदर इसके शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए मार्केट में इसके शेयर्स मिलने चाहिए दूसरा है जो एनुअल टर्नओवर है इस कंपनी का एनुअल टर्न पिछले तीन साल का पच्चीस हजार करोड़ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज इससे ज्यादा होना चाहिए तीन साल का एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो पच्चीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए महारत्ना बनने के लिए चौथा है कि तीन साल के अंदर एवरेज जो उसकी नेटवर्थ है नेटवर्थ ठीक है वो पंद्रह हजार करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए पंद्रह हजार करोड़ रुपए पर ईयर उसकी नेट वर्थ होनी चाहिए अगले पिछले तीन साल का एवरेज ठीक है और फाइनली एक प्रॉफिट वाला है कि पिछले तीन साल के अंदर कम से कम इसने एवरेज हर साल पाँच हज़ार करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया होना चाहिए ठीक है तो दीज आर द फोर मेजर क्राइटेरिया जिसके जिसको क्रॉस करने के बाद कोई भी नवरत् एग्जिस्टिंग नवरत्ना कंपनी उसको महारत्ना में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ठीक है तो ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी आप इसको नोट कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है अगला क्वेश्चन है रैपिड सपोर्ट फोर्सेज रैपिड सपोर्ट फोर्सेज विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज द पैरामिलिट्री ग्रुप ऑफ विच कंट्री देखिए ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था मई में भी जून में भी अभी भी चल रहा है और वो है कि सूडान में सूडान में एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है सिविल वॉर काइंड का और वहाँ पे दो दो फोर्सेज़ हैं एक तो वहाँ की जो लोकल आर्मी है जो वहाँ की ऑफिशियल आर्मी है सूडानीज आर्म फोसेज और इनको वहाँ की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको उसको उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ये वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और ये खड़े हो गए हैं और ये ये जो इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पे सूडान में तो उसकी वजह से ये टर्म न्यूज़ में था और उस पर ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो बेसिकली द आंसर वुड बी सूडान राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द लिक्विड नैनो डाईमोनिया फोस्फेट इन इंडिया तो अब ये जो चार दिए हैं इनमें से जो फर्टिलाइजर कंपनी हो गई वो इफ्को हो गई और इसी ने जो है इसको लॉन्च किया था और इसको लॉन्च भी इंडिया के होम मिनिस्टर ने किया था ठीक है तो इफ्को ने लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फोस्फेट जो है उन्होंने है मैनुफैक्चर किया है और इसकी एक ही खास बात है वो ये है कि 500 मिलीलीटर का जो बोतल में ये फर्टिलाइज़र आएगा दैट इज़ इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट टू 50 किलोग्राम का ट्रेडिशनल जो बैग आता है उसके बराबर फर्टिलाइज़र ये जो है देता है तो जाहिर सी बात है कि 50 किलोग्राम का बैग खरीदने की बजाय 500 मिली का बोतल खरीद लेगा कोई भी और इसकी कीमत छः रखी गई है मार्केट में ठीक है अब इसके दो फायदे हैं पहली चीज स्टोरेज इस ट्रांसपोर्ट इसका बेनिफिट हो गया कि 500 मिली की बोतल है उसके अंदर ये लिक्विड नैनो डाइमोनिया फोस्पेट फर्टिलाइज़र्स हो गया और इसकी जगह ये 50 किलोग्राम के वज़न को लाने ले जाने और डिस्ट्रीब्यूट करने में जो एफर्ट्स और मनी लगता था वो घट जाएगा दैट इज़ फर्स्ट थिंग सेकेंड इज़ कि अभी फ़िलहाल इसके ऊपर गवर्नमेंट की सब्सिडी सब्सिडीज़ हैं एप्लीकेबल हैं सब्सिडीज़ यहाँ पे ये जो बोतल आएगी इसके ऊपर सब्सिडीज़ नहीं होंगी ठीक है तो ये एक अल्टरनेट हो गया इसके अंदर गवर्नमेंट का जो सब्सिडी बिल है वो भी कम होगा और इधर जो किसान है उसको कॉस्ट इफेक्टिव वे में ये मिल रहा है 500 सौ की उसको बोतल लेनी है और उसको एक कट्टे के बराबर 50 किलोग्राम के एक छोटा जो बैग होता है उसके बराबर फर्टिलाइजर का, का काम करेगा ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म डिनोट्स द एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एंड पावरफुल एक्टिव गैलेक्टिक पावरफुल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस ठीक है चार टर्म्स दिए गए हैं जिसमें से अपने को ये डिफाइन करना है कि एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एंड पावरफुल एक्टिव गैलेक्टाई गैलेक्टिक न्यूक्लियस कौन सा इनमें से तो देखिए एक्सट्रीमली ल्यूमिनस की जब हम बात करेंगे तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ल्यूमिनस बॉडी जो होती है वो क्वासार होता है क्वासार ठीक है तो करेक्ट आंसर तो हो गया इसका ये अब बात कर लेते हैं हम क्वासार की क्वासार क्या होते हैं क्वासार इज बेसिकली क्वासी स्टीलर क्वासी स्टीलर रेडियो सोर्सेज रेडियो सोर्सेज क्वासार हो गए ये बेसिकली दीज आर एक्सट्रीमली लूमिनस एंड मोस्ट डिस्टेंट एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई ठीक है सबसे ज़्यादा दूरी पर भी वही है और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली चमकने वाले ल्यूमिनस भी वही हैं दे आर पावर्ड बाई सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एट द सेंटर्स ऑफ द गैलेक्सीज ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि एक गैलेक्सी के सारे स्टार्स को मिला के जो रोशनी होती है उससे भी ज्यादा ये पैदा कर सकते हैं राइट क्वासार्स आर अमोंग द मोस्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स नोन इन द यूनिवर्स दे एमिट एनर्जी फार बियॉन्ड दैट ऑफ एंटायर गैलेक्सी ऑफ स्टार्स ठीक है एंड सम ऑफ द क्वासार्स कैन आउटशाइन द बिलियंस ऑफ स्टार्स कम्बाइंड ये चीज़ हो गया तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्वासार होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ सिटी इज़ द होस्ट ऑफ़ यूनाइट नेशन्स परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनस इशूज़ यूनाइट नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनस इशूज़ ठीक है तो इसका आंसर न्यूयॉर्क होगा बेसिकली ये एनअल एक फोरम होता है इंडिजीनस इशूज़ के ऊपर यूनाइटेड नेशंस के जो हेड क्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में वहाँ इसको होस्ट किया जाता है टू थाउजेंड ईयर टू थाउजेंड से ये चल रहे हैं टू थाउजेंड से हर साल ये एक फोरम वहाँ पे क्रिएट वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किन को इंडिजीनस पीपल्स को टू वॉइस देयर कंसर्नस देयर एस्पीरेशन एंड देयर परसपेक्टिव ऑन डिफरेंट इशूज ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल सोर्स सोर्स फूड टू हेल्दी डाइट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ़ टेरेस्ट्रियल एनिमल सोर्स ऑफ फूड टू हेल्दी डाइट्स पूछ रहा कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है वो जारी की है तो इसका आंसर जो है फ़ूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ही होगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो बेसिकली एफ जो है उसने एक रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट का जो है आ, आ, मोटा मोटा मुद्दा ये है कि जो मीट हो गया एग्स हो गए मिल्क हो गए उसको यूज़ करके हम ग्लोबल न्यूट्र टारगेट्स जो है उनको अचीव कर सकते हैं इस क्वेश्चन में मेन चीज़ एफ़ है जिसके बारे में आप थोड़ा सा जान लो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रोम में इसका रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है 16 अक्टूबर 1945 को 16 अक्टूबर 1945 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था इसलिए 16 अक्टूबर की जो डेट है वो वर्ल्ड फूड डे वर्ल्ड फूड डे के रूप में हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे के रूप में सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं ठीक है एक चीज है जो बार बार क्वेश्चंस आपका पेपर में आता है वो है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस ये क्या है ठीक है कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है क्या है क्या नहीं है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू तो ये बेसिकली एक कमीशन ये दोनों मिलके सेट करते हैं और वो कमीशन जो स्टैंडर्ड क्रिएट करता है उस कमीशन का नाम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता है कमीशन तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है उसका मेन काम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड को डिसाइड करना और ये दो बॉडीज़ का कोलेबोरेशन से है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक साइड में और डब्ल्यू एच ओ दूसरी साइड में ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट इज़ द टारगेट ग्रोथ ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री बाय 23 2030 एज पर नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी अभी रिलीज हुई थी कुछ दिनों पहले ठीक है इसमें जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड होती है या रिलीज होती है तो उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसी में ये बताया जाता है कि हमारा प्रेजेंट शेयर कितना है और हम आगे इसको पार्टिकुलर ईयर तक कितना आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो उसी की अकॉर्डिंग uh, जो है ये है और इसमें भारत ने ये सेट किया है टारगेट कि हम नेशनल मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री को 2030 तक 50 बिलियन यूएसडी तक लेके जाएंगे 50 बिलियन यूएसडी तक इसको हम लेके जाएंगे अब सवाल इस बात का है कि अभी कितना है अभी 2023 आ गया है और सात साल है इनके पास में तो अभी जो है ये है 11 बिलियन यूएसडी बिलियन यूएसडी गवर्नमेंट हमेशा एम्बिशियस टारगेट सेट करती है मुश्किल जो होते हैं अचीव करने में वो टारगेट सेट करती है जनरली वो अचीव कर भी लेती है बहुत सारे टारगेट्स नहीं भी होते हैं लेकिन फिलहाल जो टारगेट है वो काफ़ी ऊंचा है ग्यारह बिलियन यूएसडी से पचास बिलियन यूएसडी तक अब इसको डेवलप करने के लिए इतना बड़ा मार्केट बनाने के लिए जो पॉलिसीज एग्रेसिव पॉलिसी डेवलपमेंट है उस पॉलिसी का इसके अंदर जो है डॉक्यूमेंटेशन किया गया है नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 के अंदर इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि अगले 25 साल के अंदर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो वर्ल्ड की मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है उसमें हमारा 10 से 11 परसेंट का शेयर तो कम से कम हो अभी बहुत कम शेयर होगा ये एक दो परसेंट के आसपास भी नहीं होगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ 2023 व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट्स मेड अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट ये एक सेविंग स्कीम है और इसमें करेंट इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है तो ये बाई चांस किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं इंटरेस्ट रेट आपको ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनके अंदर अभी फिलहाल सेवन टू सेवन पॉइंट फाइव के आसपास ही रेट चल रहा होता है ठीक है तो इसका साढ़े सात परसेंट इसका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल डेट सीलिंग इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री ठीक है डेट सीलिंग डेट सीलिंग क्या हो गया डेट सीलिंग का मतलब ये हो गया ये पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड टर्म हो गया वहाँ पे क्या होता है लीगल डेट सीलिंग जो होती है उसको बोरोइंग लिमिट भी बोलते हैं एक लेजिस्लेटिव लिमिट होती है जिससे ऊपर वहाँ की सरकार किसी भी फॉर्म में उधार नहीं ले सकती चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो डेट जो है उससे ऊपर वो नहीं ले सकती उस लिमिट को अगर उसको क्रॉस करना है तो इट हैज टू मेक लेजिस्लेशन इसको कानून पास करना पड़ेगा वहाँ की कांग्रेस डिसाइड करेगी और वहाँ का जो जो पार्लियामेंट है जो भी है वहाँ पे जो उस लीगल प्रोसेस जो है उसको करना पड़ेगा ये जो डेट सीलिंग का जो कन्सेप्ट है काफ़ी पुराना है 1917 के अंदर वहाँ पे कोई 1917 1917 के अंदर एक बार वहाँ पे जो पहला वर्ल्ड वार वन के अंदर जो है पहली बार वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ये डेट जो है इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए इसको सेकंड लिबर्टी बॉन्ड एक्ट बोलते हैं सेकंड लिबर्टी बॉन्ड एक्ट सेकंड लिबर्टी बॉन्ड एक्ट ठीक है तब से लेके अब तक एक डेट सीलिंग वहां पे चलती है गवर्नमेंट को अलाउड नहीं होता है उससे ज्यादा डेट लेने की और अगर उसको लिमिट को अगर सेट करना है तो उसको लेजिस्लेशन वहां पे करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सप्लाइंग एम सेवनटीन हेलीकॉप्टर एंजन्स एम सेवनटीन हेलीकॉप्टर एंजन्स एंड ऑगजिलरी स्पेयर पार्ट्स थ्रू पाकिस्तान ठीक है तो इनमें से एम सेवनटीन हेलीकॉप्टर जो है वो चाइना नहीं दे रहा है पाकिस्तान को ठीक है पाकिस्तान तो इसमें है ही यूक्रेन जो है वो दे रहा है यूक्रेन और पाकिस्तान के जो डिफेंस रिलेशन है काफ़ी अच्छे हैं अभी पाकिस्तान उनको टैंक देता है वो पाकिस्तान को एम आई सेवनटीन हेलीकॉप्टर इंजेंस दे रहे हैं पाकिस्तान अभी लड़ाई के हालात में जो है ट्रांजिशन स्टेट्स के रूप में जॉर्डन को और पोलैंड को यूज़ करके वहाँ पे हथियार भेज रहा है जॉर्डन एंड पोलैंड ठीक है ये दो कंट्रीज़ को यूज़ करके पाकिस्तान वहाँ पे भेज रहा है और यूक्रेन जो है पाकिस्तान को जो भी उनसे हो सकता है वो हथियार देने की डील में है तो ये इनके जो है आपस के बायोलिट्रल डिफेंस रिलेशनशिप के बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट है इंडिया लॉन्च द नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर कहाँ पे कौन से कंट्री के साथ में इन्होंने जो है ये बनाया है तो इंडिया एंड यूके ने मिलके नेट जीरो वर्चुअल सेंटर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाया है ये बेसिकली दोनों मिलकर काम करेंगे और जो ग्रीन हाउस गैस अमीशंस हैं उनको एज क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे जिसको बोलते हैं नेट जीरो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द प्रिपेडनेस एंड रेजिलियंस इमरजिंग प्रिपेडनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमरजिंग थ्रेट्स प्रैट इनिशिएटिव प्रैट इनिशिएटिव इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा डब्ल्यू ठीक है डब्ल्यू ने ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इसका जो पर्पज़ है वो है टू एंश्योर बेटर प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट एनी फ्यूचर आउटब्रेक विच इज़ लाइक कोविड नाइन्टीन ठीक है ऐसा कोई बड़ा पेंडेमिक आ गया तो कैसे उस कैसे पूरे वर्ल्ड को उसको आ, अपने आप को तैयार रखना है वो एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स प्रेट इनिशिएटिव ठीक है और डब्ल्यू एच ओ का एक इनिशिएटिव है नेक्स्ट है विच ट्राइब इज प्लेइंग मेजर रोल इन प्रोटेक्ट हॉर्नबिल प्रोजेक्ट अब ये क्या है प्रोटेक्ट हॉर्नबिल्स प्रोजेक्ट जो है वो एक कम्युनिटी ड्राइव इन प्रोजेक्ट है कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ठीक है वहाँ की जो निशी ट्राइब है इट इज़ प्लेइंग ए मेजर रोल इन दिस पार्टिकुलर इनिशिएटिव तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि हॉर्नबिल क्या है हॉर्नबिल जो होता है एक बर्ड है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मिलता है ज्यादातर इस बर्ड की एक खास बात यह होती है कि ये एक तो स्लो ब्रीडर होता है स्लो ब्रीडर स्लो ब्रीडर एक मोनोगेमस होता है मोनोगेमस का मतलब ये हो गया कि जो एक जोड़ा है वही जोड़ा लाइफ लॉन्ग रहता है और इसके अलावा जो है इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो काफी लंबा होता है तो लॉन्ग ब्रीडिंग सीजन लॉन्ग ब्रीडिंग सीजन ब्रीडिंग सीजन अब ये तीन चीज़ें ऐसी हैं इसकी वजह से रिप्रोडक्शन जो होता है किसी भी पार्टिकुलर पार्टिकुलर स्पीसीज में वो उसका रिप्रोडक्शन का स्पीड कम हो जाएगा क्योंकि स्लो ब्रीडर हो गया मोनोगेमस भी हो गया लॉन्ग ब्रीडिंग सीजन भी हो गया तो इनकी पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती है और इनका किया जाता है वहाँ पर शिकार अब शिकार क्यों किया जाता है वहाँ पर मीट की मीट के लिए किया जाता है इसके अलावा वहाँ पर एक निशी कम्यूनिटी का हेड गियर होता है जैसे आप देखिए ये इन्होंने पहना हुआ है तो इन्होंने जो ये सर में हेड गियर पहना हुआ है इसमें ये जो इसकी चोंच बनी हुई है इसका ये जो हेड गियर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये एक्चुअली हॉर्नबिल की जो चोंच होती है जो उसकी बीक होती है हॉर्नबिल की बीक उससे बनी, बनती है ये हॉर्नबिल की बीक जो होती है उससे बनती है ठीक है तो जाहिर सी बात है कि ये उनके ट्रेडिशनल हेडगियर के अंदर काम आ रहा था इनकी जो बीक होती है वो इसके लिए भी उसका शिकार किया जा रहा था अब निशी ट्राइब ने क्या किया है कि इन्होंने ये डिसाइड किया है एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोटेक्ट हॉर्नबिल्स प्रोजेक्ट कि ये जो बीक ये हॉर्नबिल का हम लोग यूज कर रहे हैं इसको हम डिस्कार्ड करेंगे इसकी जगह कोई फाइबर की आर्टिफिशियल जो है हम यूज़ करेंगे ठीक है फाइबर से बनी हुई ऐसी कोई होगी तो उसको हम यूज़ कर लेंगे इसका सीधा सीधा असर ये पड़ता है कि हॉर्नबिल का जो शिकार हो रहा है वहाँ पे वो कम हो जाता है और इस वजह से इस पार्टिकुलर ट्राइब जो है इसका कंट्रीब्यूशन जो है हॉर्नविल्स के प्रोटेक्शन के अंदर वो रेलेवेंट हो गया है इम्पोर्टेंट हो गया है आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेडिशनल हेडगियर है, है इसको बोलते हैं बोपिया वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बोपिया बोलते हैं इसको ठीक है बोपिया में हॉर्नबिल की बीक का इस्तेमाल ये लोग नहीं करेंगे दैट इज़ वन थिंग इसके अलावा जो वहाँ के टाइगर रिज़र्व हैं जहाँ पे ये 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 ट्राइब जहाँ पे पाई जाती है पैकेट ट्राइवर रिज़र्व ठीक है पैके ट्राइवर रिज़र्व उस एरिया के अंदर कुछ और भी इनिशिएटिव्स ये ले रहे हैं जिसकी वजह से उसका जैसे हॉर्नबिल नेस्ट अडोपन प्रोग्राम हो गया एच एन ए पी ये कम्युनिटी बेस्ड हॉर्नबिल कंजर्वेशन प्रोग्राम है दो हज़ार बारह में इसको स्टार्ट किया था और ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही है ठीक है तो निशी ट्राइब इनका हेड गियर हॉर्नबिल का प्रोटेक्शन याद रखना एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल ठीक है आजकल काफी पॉपुलर है ये उस वो होता है नागालैंड में तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है नागालैंड ठीक है चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन विच आर्म फोर्स इज सेट टू ऑपरेशलाइज द कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स ठीक है इनमें से कौन सी आर्म फोर्सेज है जो कि ये पार्टिकुलर कम कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स ठीक है इनमें से किसको जो है ये स्टार्ट करना है इंडियन आर्मी होगा ये इसका आंसर इंडियन आर्मी होगा बेसिकली हुआ क्या है कि ये मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं इंडियन आर्मी अपने ऑनलाइन नेटवर्क को साइबर वॉरफेयर से Uh, जो आजकल नॉन ट्रेडिशनल वारफेयर टेक्निक्स होती हैं उनमें अपने आप को आगे रखने के लिए तो ये एक जो है कमांड है नई और उसके बारे में ये क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फ्रॉम विच ईयर द आई एफ आर एस सेवनटीन आई एफ आर एस सेवनटीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बिकेम इफेक्टिव कौन से साल से ये जो आई एफ आर एस सेवनटीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है ये कहाँ पे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया 2023 से ट्वेंटी ट्वेंटी से आई 17 जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है और ये बेसिकली इट इज ए सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स ठीक है इसको रिलीज किया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने 2017 में और अब ये एक जनवरी 2023 से जो है ये इफेक्टिव हो जाएगा इसको आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है अनजी ब्रिज अंजी ब्रिज जो है वो जो न्यूज़ में था वो कहाँ पे है कौन से स्टेट में है करेक्ट आंसर इसका होगा जम्मू एंड कश्मीर अंजी अन्ज, ब्रिज का अंजी ब्रिज क्या है अंजी ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी ब्रिज इज इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज पे मई में ये रेडी हो गया है उधमपुर श्रीनगर बारामूला ये जो ब्रिज है उस पार्टिकुलर रेल लाइन का पार्ट है और बाकी के कश्मीर के हिस्से को इंडिया से रेल नेटवर्क के द्वारा जोड़ने का ये काम करती है ठीक है तो वनजी ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में है अगला क्वेश्चन है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी एसोसिएटेड विद विच स्टेट करेक्ट आंसर इसका होगा आसाम क्या है दिमासा सो so बेसिकली दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है वो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि एक इंडिपेंडेंट होमलैंड एस्टेब्लिश करना चाहता है किन लोगों के लिए दिमासा पीपल के लिए दिमासा लोगों के लिए जो है आसाम और नागालैंड के अंदर ये लोग चाहते हैं कि भाई इनका अलग से एक स्टेट बने अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट इनका बने तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने दिमासा नेशनल लिब्रेशन आर्मी बना ली जो कि एक आ, सेपरेटिस्ट ग्रुप हो गया हाल ही में हुआ ये है कि ठीक है ना त्रिपक्षीय समझौता जिसको बोलते हैं ट्राई पार्टाइट ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में डी एन एल ए आसाम गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो ये जो ट्राइपाइटेट एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक वहाँ पे शांति बहाली की कोशिश है ये आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स कौन से स्टेट में सेटअप किया जाएगा करेक्ट आंसर होगा इसका न्यू दिल्ली ठीक है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स ठीक है तो ये नई दिल्ली में होगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल उन्होंने भी अनाउंस किया था इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट एज़ पर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे देखिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे जो है एन एम आई एस उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है वो कर्नाटक है जाहिर सी बात है बेंगलोर है वहाँ पे स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया तो जो जितने भी इनोवेशनस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट जो है वो इन इन मैनुफैक्चरिंग वो कर्नाटका है कर्नाटका के बाद सेकेंड नंबर तेलंगाना का है ये फर्स्ट नंबर है सेकेंड नंबर जो है तेलंगाना का है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वोटर्स हेल्पलाइन ऐप वोटर्स हेल्पलाइन ऐप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द इलेक्शन कमीशन फॉर द सीमलेस एनरोलमेंट ऑफ ऑफ द वोटर्स इन विच स्टेट करेक्ट आंसर इसका होगा कर्नाटका ठीक है इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे ये वोटर्स हेल्पलाइन ऐप अभी इंट्रोड्यूस किया है और इससे जो वोटर्स हैं उनको इलेक्ट्रोल रोल्स के अंदर आ, अपना रजिस्ट्रेशन करने में एनरोल करने में हेल्प मिलेगी और इसके अलावा वो इलेक्शन के दौरान अपने जो इलेक्शन बूथ हैं उनको भी लोकेट कर पाएंगे ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुथमिज अरिंगनार डॉक्टर कलाइंगनार पैन मोनूमेंट ये एक मोनूमेंट है और ये किसकी मेमोरी में, में, में बनाया जा रहा है तो डी के पेट्रीआर्क थे एम करुणानिधी तो ये उनकी मेमोरी में, में, में बनाया जाएगा कहाँ पे बनाया जाएगा बे ऑफ बंगाल में बनाया जाएगा इन मेमोरी ऑफ लेट डी एम के पेट्रीआार्क एम निधि नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अल नयादी हु बिकेम द फर्स्ट अरब टू अंडरटेक ए स्पेस वॉक इज़ फ्रॉम विच कंट्री सुल्तान अल नयादी जो है एक यू ए के एस्ट्रोनोट है और ही हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट अरब टू अंडरटेक ए स्पेस वॉक बा वेंचरिंग आउट ऑफ द आई एस एस स्पेस वॉक जो है उसको एक्स्ट्रा विक्यूलर एक्टिविटी भी बोलते हैं ई वी एक्स्ट्रा विक्यूलर एक्टिविटी और ये कोई भी एक्टिविटी होती है जो स्पेस शिप से बाहर की जाती है आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि जो फर्स्ट स्पेस वॉक हुई थी वो किसने की थी वो एक सोवियत कॉस्मोनोट थे सोवियत कॉस्मोनोट थे सोवियत कॉस्मोनोट थे जिनका नाम था एलेक्सी लियोनो एलेक्सी लियोनो ठीक है एलेक्सी लियोनो ने 18 मार्च 1965 को पहला स्पेस वॉक किया था uh, कौन से मिशन में वोस्कोड टू मिशन के अंदर और ये 12 मिनट के लिए ये स्पेस वॉक की थी इन्होंने ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ जगन्ना चेबुदान स्कीम ठीक है तो ये स्कीम जो है ये स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च की है और वो एक पब्लिस पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल स्पंदन प्रोग्राम जो पुराना था उसका अपग्रेडेड वर्जन है इसमें एक हेल्पलाइन है 1902 1902 ये एक हेल्पलाइन है यहाँ पे उस स्टेट के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी कोई भी ग्रीवेंसेज हैं इस पर कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च द लाडली बहना योजना लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इस स्कीम के अंतर्गत ये होगा कि जो वहाँ की लेडीज़ हैं मैरिड हैं या फिर विडो हैं तलाकशुदा हैं या फिर परित्यक्ता हैं उन सबको और जिनकी आयु 23 साल से 60 साल के बीच में है 23 साल, साल से 23 साल से 23 थ्री ईयर्स टू सिक्सटी ईयर्स इस एज ग्रुप की जितनी भी लेडीज़ हैं वहाँ पे, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज स्टार्टेड दिस पार्टिकुलर स्कीम एंड इट विल प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज़ वन थाउजेंड वन थाउजेंड पर मंथ ठीक है तो यह है लाडली बहना योजना वहाँ की जो तेईस से साठ साल की जो औरतें हैं जो लेडीज़ हैं उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हैं मध्य प्रदेश की एक स्कीम और है लाडली लक्ष्मी योजना लाडली लक्ष्मी योजना लक्ष्मी योजना लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो गर्ल चाइल्ड के लिए है जब बच्चा कोई जन्म लेता है वो लड़की है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे ही उसका जन्म होता है तो उसके लिए छ हज़ार रुपये के पाँच साल तक के लिए छ हज़ार रुपये के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट खरीद खरीदती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ठीक है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में उस बच्ची के नाम गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है वहाँ पे और उसमें जब बच्ची सिक्स क्लास में आ जाती है तो कुछ थाउजेंड उसको मिलते हैं उसके बाद में नाइन्थ और नाइन्थ में कुछ पैसा मिलता है और फाइनली जब वो इक्कीस साल की होती है तो उसको एक लाख रुपया मिलता है ठीक है वन लाख रुपीज़ यानी बेटी ने जन्म लिया गवर्नमेंट ने उसके नाम से एन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया छः हज़ार रुपया ठीक है उसके बाद एक या पाँच साल तक गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है और जब बच्ची इक्कीस साल की होती है तो उसको एक लाख रुपये मिलता है ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की स्कीम है काफ़ी पॉपुलर स्कीम भी है और अच्छी स्कीम भी है कुछ स्टेट्स ने इसको Uh, जो है कॉपी भी किया है इस नेक्स्ट है विच साइंटिफिक टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेडिशनल एनिमल हेल्थ केयर ये साइंटिफिक टर्म जो है इनमें से कौन सा है जो ट्रेडिशनल एनिमल हेल्थ केयर को तो ये हो गया एथनो वेटरीनरी मेडिसिन ठीक है वेटरीनरी मीन्स रिलेटेड टू एनिमल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत गुहा हु पासड वे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन तो रणजीत गुहा जो थे वो एक फेमस हिस्टोरियन थे और ही वॉज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जिसको बोलते हैं हम लोग सब एल्टर्न स्कूल देखिए हिस्टोरियोग्राफी जो होती है वो है हिस्ट्री से रिलेटेड लिटरेचर को लिखना हिस्टोरियोग्राफी और इसमें भी अलग अलग जोनर होते हैं इसमें से एक है सब एल्टर्न स्कूल सब एल्टर्न सब एल्टर्न स्कूल तो वे सब एल्टर्न क्या हो गया समाज के जो दबे कुचले वर्ग हैं ठीक है उनकी उनके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री को जब लिखा जाता है तो वो सब एल्टर्न स्कूल कहा जाएगा उसको ठीक है उसके ये रणजीत गुहा जो थे वन ऑफ द फाउंडर्स थे सब एल्टन मीन्स द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु एंड पोलिटिकली एंड एकमिकली मार्जिनलाइज्ड इन द कलोनियल सोसाइटीज तो पीजेंट इंसर्जेंसीज के ऊपर इन्होंने नाइनटीन एटी थ्री के अंदर एक बुक लिखी थी उसके बेसिस पर इनको ये कहा गया कि ही इज द वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सब एल्टन स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी राइट सब एल्टन स्कूल जो है उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है रंजीत गुवा थे पार्था चैटर्जी थे और दीपेश चक्रवर्ती ये तीन हिस्टोरियन थे जिन्होंने इस पार्टिकुलर स्कूल को पॉपुलर किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहान मेला इज एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द कौन ट्राइब इन विच स्टेट ये बिल्कुल सजेस्टिव क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए कोंड ट्राइब कौन से रीजन uh, में जो है कौन से स्टेट में पाई जाती है तो ये उड़ीसा uh, इसका आंसर हो गया है कौंड ट्राइब जो है वो उड़ीसा के अंदर है बिहान मेला भी ये वहीं पे होता है एनुअल फेस्टिवल होता है कौन टाइप का और नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का वहां पे इसको मनाया जाता है और इसको सीड फेस्टिवल भी बोलते हैं लिटरली क्या बोलते हैं सीड फेस्टिवल बीज सीड फेस्टिवल जो है ये भी बोला जाता है बिहान मेला सीड फेस्टिवल विच कंट्री अडोप्टेड द बेसिक प्लान ऑफ ऑन ओशियन पॉलिसी बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी इंपॉर्टेंट टर्म है ये और इसका आंसर होगा जापान बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी का मतलब ये है कि जापान ने पाँच साल का एक प्लान बनाया है एक पाँच साल की पॉलिसी बनाई है और इस पॉलिसी के अंतर्गत वो अपनी मैराइन सिक्योरिटी जो है और नेवल एफिशिएंसी उसको बढ़ाएंगे बढ़ाने के पीछे वजह है चाइना की जो असर्टिवनेस जो इस रीजन में बढ़ रही है उसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए ये पॉलिसी आज की नहीं है पुरानी है 2008 जो है सबसे पहले तब आई थी उसके बाद हर पाँच साल में इसको जो है अपग्रेड किया गया है रिन्यू किया गया है और जो लेटेस्ट है उसका वर्जन वो अभी रिसेंटली आया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉनसन स्पेस सेंटर्स थर्मल वैक्यूम चैम्बर ठीक है थर्मल वैक्यूम चैम्बर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री तो जॉनसन स्पेस सेंटर उसका थर्मल वैक्यूम चैम्बर कहाँ पे है ये तो यूनाइटेड स्टेट्स में है ये त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है त्रिशूर केरला का एक सिटी है पूरम फेस्टिवल केरला के अंदर हो गया तो इसका करेक्ट आंसर हो गया केरल नेक्स्ट क्वेश्चन है पैब्लो पिकासो वाज ए फेमस पेंटर फ्रॉम विच कंट्री पेब्लो पिकासो कौन से कंट्री से थे ये यहाँ पे दो चीज दो ऑप्शन है देखिए यूएसए को आप हटा दीजिए यू ए को हटा दीजिए फ्रांस और स्पेन इनका जन्म स्पेन में हुआ था इसलिए इसका करेक्ट आंसर तो स्पेन हो गया इनकी जन्मभूमि स्पेन थी और कर्म भूमि फ्रांस थी क्योंकि ज़्यादातर जा, जो लाइफ है उनकी वो फ्रांस में निकली थी ज़्यादातर तो उनकी लाइफ का पार्ट था वो फ्रांस में निकला था और जन्म उनका जो है स्पेन में हुआ था इसलिए ही वॉज बेसिकली एन स्पेनिश पेंटर एंड स्कल्प्टर राइट मैं बता दूं कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स एंड स्कल्प्टर्स ऑफ ट्वेंटियथ सेंचुरी अट्ठारह में इनका जन्म हुआ था 1973 में इनका इंतकाल हुआ था 2023 में इनके इंतकाल को 50 साल हो गए सो so, 2023 ट्वेंटी मार्क्स द फिफ्टी डेथ एनिवर्सरी ऑफ पैबलो पिकासो फिफ्टियथ डेथ एनिवर्सरी पेंटिंग्स के अंदर एक मोमेंट था क्यूबिस्ट मोमेंट ही वॉज वन ऑफ़ द फाउंडर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवमेंट ठीक है और क्यूबिज़म में क्या होता था क्यूबिज़म में जो पेंटिंग्स होती हैं उनकी उन पेंटिंग्स के अंदर ज़्यादातर जो है जो भी ये लोग एक्सप्रेस करते हैं वो जोग्राफिकल शेप्स के फॉर्म में करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमोशंस हो गए या जो भी जो भी उनको एक्सप्रेस करना होता था वो जोग्राफिकल शेप्स के रूप में होता था तो वो क्यूबिज़म स्कूल बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस एंड कनाडा सेलिब्रेट द लेबर डे इन विच मंथ यू एस और कनाडा जो है लेबर डे कौन से महीने में मनाते हैं देखिए लेबर डे दे मई वन को हम लोग मनाते हैं ज़्यादातर लोग ठीक है मई वन जो होता है वो लेबर डे होता है लेकिन यू एस और कनाडा के अंदर मे डे होता है वो फर्स्ट मंडे ऑफ सेप्टेम्बर होता है वो ठीक है फर्स्ट मंडे ऑफ सेप्टेम्बर तो सितंबर का फर्स्ट मंडे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023, ठीक है तो चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है ये सारी रिपोर्ट जो मैंने यहाँ लिस्ट की है वो इसकी है डब्ल्यू ई एफ की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये जो रिपोर्ट है इसको डिसकन्टिन्यू कर दिया गया है इसका लास्ट एडिशन ट्वेंटी ट्वेंटी में आया था शायद ट्वेंटी ट्वेंटी में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट ये सारी रिपोर्ट्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है ये चीज़ आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट दैट वॉज लॉन्च बाई एमिरेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट ठीक है इसका नाम था सारा जो एमरेट्स एंड एयरलाइन है दुबई की उसका ये उसने ये लॉन्च किया है ये एक ह्यूमनइट रोबोट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जब भी कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट लेने जाएगा तो वर्ल्ड बैंक उसको सपोर्ट देता है लेकिन कुछ कंडीशंस वर्ल्ड बैंक चाहता है और जो है बेसिकली एक आउटलाइन बनाता है कि उस पार्टिकुलर कंट्री को अपने यहाँ पे इकोनॉमी में और पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए तो एक स्ट्रैटिक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको पार्ट कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क बोला जाता है और इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उस कंट्री को भी चेंजेस करने पड़ते हैं ठीक है और उसके अकॉर्डिंग जब वो कंट्री चेंज करता है तो वर्ल्ड बैंक उसको सपोर्ट करता है उसके पार्टिकुलर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट बिगेन द सर्वे ऑफ पीपल फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लासेस आफ्टर बिहार ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा पहले बिहार ने किया था अभी उड़ीसा कर रहा है और वो है अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज का सर्वे ताकि जो उनकी स्कीम्स हैं उनको ठीक से टारगेट वो एज पर कास्ट या एज पर सोशल कंडीशंस कर सकें ठीक है तो इसका आंसर उड़ीसा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिकेम द कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड सिन कैन ये एक आपको याद रखना है कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड ठीक है सिन कैन ये आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर इसका होगा एयर मार्शल सजू बाला कृष्णन इसका ध्यान रखना है आपको कि जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है दैट इज द ओनली जॉइंट सर्विसेज कमांड इन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज द एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी आर ओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ये अभी मई के अंदर ये एक कैंपेन की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन डिवेलप्ड द स्टार बेरी सेंस सेंसर करेक्ट आंसर होगा इसका आई आई ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स क्या है ये स्टारबेरी सेंस जो है एक पेलोड है दैट हैज बिन डिवेलप्ड बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और इसको पी एस एल वी की सी फिफ्टी फाइव जो फ्लाइट थी उसके ऊपर इसको टेस्ट किया गया था तो बेसिकली पेलोड है जो पेलोड सेंसर हो गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्टिस्थेरिया चालुक्य थेरिया चालुक्की विच वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन कर्नाटका बिलोंग्स टू विच स्पीसीज तो ये एक श्रिम्प है ठीक है एक श्रिम्प है ये और ये कर्नाटक में इसको खोजा गया था कुछ दिनों पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन ऑफ स्कॉन विच वॉज रिसेंटली मूव टू लंडन वॉज ओरिजिनली विच प्लेस इन विच प्लेस ठीक है करेक्ट आंसर इसका होगा इस्कॉटलैंड नेक्स्ट है <coughs> नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मार्ट सिटीज मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम जून 2023 ट्वेंटी थ्री टू विच ईयर दो तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है एक साल के लिए ठीक है और ताकि एक साल के अंदर जो सो सिटीज़ हैं वो जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर सकें 2024 में इलेक्शन भी आ रहे हैं तो इनको अभी फिलहाल के लिए इस स्कीम को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यू टी अनाउंसड ए समर एक्शन प्लान विच इन्वॉल्व विच इन्वोल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ थर्टी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू डेली नई दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने एक समर एक्शन प्लान बनाया है इसके लिए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए गर्मी के महीनों में और तीस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है तीस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम करेंगे ताकि वहाँ पे जितना हो सके उतना एयर पोल्यूशन कम किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरिका एक्सेलसा विच वॉज सीन इन न्यूज़ अब ये लाइबेरिया एक्सेलसा क्या है देखिए पहले तो इसका आंसर बता दूँ कॉफ़ी हो गया और ये एक्चुअली दो अलग अलग वेराइटी की कॉफ़ी है लाइब्रेरिका जो है ये कॉफिया लाइब्रेरिका हो गई कॉफिया लाइबेरिका और एक्सेलसा जो है वो कॉफिया एक्सेल्सा हो गई है ठीक है ये दो अलग अलग कॉफी की स्पीसीज हैं कॉफिया लाइबेरिका एंड कॉफिया एक्सेल्सा और नाम इनके एक जैसे हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार लाइब्रेरी का एक्सेल का एक्सेल सा जो है वो जो नाम जो है ये यूज किया गया है वो एक्चुअली दोनों अलग अलग स्पीसीज को ही डिनोट कर रहे हैं ज्यादातर लोग जो कॉफी को यूज करते हैं वो दो दूसरी स्पीसीज है जिनका शायद आपको पता हो एक होती है कॉफिया अरेबिका कॉफिया अरेबिका और दूसरी है कॉफिया केन फोरा, केन फोरा. इसको रोबस्टा कॉफी भी बोलते हैं रोबस्टा वर्ल्ड का ज्यादातर जो कॉफी का कंजम्पशन और प्रोडक्शन होता है वो अरेबिक कॉफी और रोबस्टा कॉफी का ही होता है ये जो दोनों हैं, ये इनका प्रोडक्शन यील्ड जो होता है प्रोडक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी कम है इसलिए इनका कमर्शियल प्रोडक्शन ज़्यादा वायबल नहीं है ये जो दोनों स्पीसीज़ हैं ये बेसिकली वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के अंदर प्रोड्यूस की जाती है दीज आर लेसर नोन एंड लेस कमर्शियली कल्टिवेटेड इन कंपेरिजन टू जो बाकी की जो दो स्पीसीज हैं उनके कम्पेरिजन में ठीक है वजह है इनकी लोअर यील्ड्स और लिमिटेड पॉपुलैरिटी ठीक है बेसिकली न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वो अब इन दिनों में इनका ज़्यादा इनको पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट मैनेजेस द स्वच्छता पखवाड़ा इवेंट तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन स्वच्छता है सैनिटेशन और वाटर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड टर्म भी हो गया और डिपार्टमेंट भी यही था तो देट विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द यू एस एंड विच कंट्री एग्रीड ऑन न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज़ टू प्रिवेंट इ्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग जो है यू एस और मैक्सिको के बीच में एक मेजर इशू है तो यू एस एंड मैक्सिको के बीच में ये पॉलिसी का हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट विल फॉर्म ए पैनल ऑन सेम सेक्स कपल्स हेडेड बाय ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि वो एक कमेटी बनाएंगे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है सेम सेक्स कपल्स के अंदर उनको हैंडल करने के लिए उनके बारे में जो भी नीति निर्धारित करेंगे वो और उसको हेड करेंगे कोई कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल का पैनल बनेगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोक डिक्लेरेशन विच वाज सीन इन न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड करेक्ट आंसर होगा इसका प्रेस फ्रीडम ठीक है विंडों डिक्लेरेशन क्या है पहले तो ये देख लें विंडोक क्या है ये जो है एक सिटी है कहाँ पर अफ्रीका में यह है नामीबिया के अंदर नामीबिया में एक सिटी है नाइनटीन नाइन्टी वन में यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कौन सी डेट को होता है मई थ्री को और विंडोक डिक्लेरेशन जो है वो प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड है विंडोक एक सिटी है जो नामीबिया में है अफ्रीका के अंदर ठीक है ये जो विंडोक डिक्लेरेशन है इसमें उन्नीस प्रिंसिपल्स लिस्टेड किए गए हैं उन्नीस प्रिंसिपल्स और उन प्रिंसिपल्स के द्वारा जो है प्रेस फ्रीडम को मेनटेन रखने की कोशिश करी गई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स विच वॉज लॉन्च ऑन वर्ल्ड इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी डे उपज नाम का एक फेस्टिवल लॉन्च किया गया था उपज इज़ बेसिकली एन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स ठीक है और ये नीति आयोग ने किया था दिल्ली में इसको ऑब्जर्व किया गया था ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग चार्ल्स थ्री वॉज ऑफिशियली क्राउंड रिसेंटली वॉर विच क्राउन कौन सा क्राउन था जो इन्होंने पहना था अभी तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट एडवर्ड्स क्राउन सेंट एडवर्ड्स क्राउन ठीक है और क्या है ये जो उनका राजतिलक का जो उनका जो क्राउन है उसका नाम है ये सेंट एडवर्ड द कन्फेसर कोई उनके इलेवेंथ सेंचुरी के कोई किंग थे इलेवेंथ सेंचुरी के उनके नाम पे इसको रखा गया है एक हज़ार बयालीस से एक हज़ार छियासठ तक इनका रूल था सेंट एडवर्ड का डेथ के बाद में इनको सेंट बना दिया गया था उनके नाम पे ये क्राउन है बेसिकली ए सिंबल ऑफ ब्रिटिश मोनार्की नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता हार्बर विच इज द बिगेस्ट इंडियन ग्रांटेड प्रोजेक्ट्स इज इन विच कंट्री एकता हार्बर ठीक है करेक्ट आंसर इसका होगा मालदीव क्या है ये एकता हार्बर राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने और जो उनके मालदीव्स के जो काउंटर पार्ट हैं उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी है कोस्ट गार्ड एकता हार्बर की ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन ग्रांटी नेट प्रोजेक्ट्स है कहाँ पे मालदीव्स के अंदर ठीक है 2021 में ये अनाउंस किया गया था और अब उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है तो भारत और मालदीव के जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एकता हार्बर जो है ये एक पॉइंट और जुड़ गया है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है Innovating for Transport and Energy Systems (ITES) is a collaboration of India and which country? Correct answer होगा इसका UK. Basically India ने और UK ने ये collaborate कर रहे हैं innovation partnership के ऊपर जिसका नाम इन्होंने, इन्होंने ITES रखा है और इसका objective है sustainable and affordable transportation system का development करना जिसमें uh, electric vehicle जो है वो ready infrastructure भी हो। तो फिलहाल दोनों देश जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ए रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस आर बी आई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जो है एक पीरियोडिकल रिपोर्ट आती है आर बी आई से और वो अनाउंस होती है वो रिलीज होती है टाइम टू टाइम अब की बार जो रिपोर्ट आई है उसकी जो थीम थी वो थी टूआस ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया ठीक है और इसके अंदर कुछ रेगुलेटरी पॉलिसीज सच एज कार्बन टैक्सेस और कार्बन एमिशन रेट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर जो जो टैक्सेशन है वो जो हो सकता है तो उन चीज़ों के बारे में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है तो इसका जो आंसर हो होगा वो आर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन सब सहारन अफ्रीका कॉट बिटवीन द फॉल्ट लाइन्स ये रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन की है करेक्ट आंसर होगा इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ठीक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी जो ये रिपोर्ट दी है इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि अगर दुनिया को दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग आइसोलेटेड ट्रेडिंग ब्लॉक्स में अगर दुनिया बढ़ जाती है जिसमें एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन है तो इसकी वजह से जो परेशान होंगे जो रीजन्स परेशान होंगे उन रीजन्स के अंदर सबसे ज्यादा परेशान होने वाले रीज़न्स में आएगा सब सहारन अफ्रीका ठीक है एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईयू हो गए दूसरी तरफ चाइना हो गया अगर आइसोलेटेड ब्लॉक्स बन जाते हैं ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है जो कि हो सकती है आगे तो जो सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले रीजन्स होंगे उनमें से एक ये रीज़न होगा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन ये होगा क्यों होगा पहली चीज़ तो इनको एक साइड लेनी पड़ेगी ठीक है कोई ना कोई साइड तो इनको तो द फर्स्ट रीज़न इज दैट दे मे फेस प्रेशर टू चूज एदर ऑफ द साइड्स और जब साइड लेंगे तो इनको जो अपने ट्रेड पॉलिसीज हैं उनको अपने हिसाब से इनको अलाइन नहीं कर सकते इनको जो नई कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग रीअलाइन करनी पड़ेगी एक तो ये वजह है दूसरा ये है कि जब साइड ले लेंगे तो उनको अपने ट्रेड रिलेशनशिप का जो है रिकॉन्फिग्रेशन भी करना पड़ेगा रिकॉन्फिग्रेशन भी करना पड़ेगा अब चाइना का बहुत सा इन्वेस्टमेंट इधर सब सहारण अफ्रीका में है और सब सारण अफ्रीकन कंट्रीज का बहुत सारा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है ठीक है और ये लोग करते हैं एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स का जैसे मिनरल्स हो गए तेल हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए और ये चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी करते हैं दोनों कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट करते हैं अगर दोनों में से एक साइड इनको चुननी पड़ती है या तो चाइना या फिर यू तो इनके एक्सपोर्ट्स की रेवेन्यू घट जाएगी तो ये पहले से परेशान है और भी ज़्यादा परेशान होंगे दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार का कोई इनके ऊपर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है बाई चाइना या बाई एदर ऑफ द साइड तो इसकी वजह से इनके एक्सपोर्ट्स में भी प्रॉब्लम्स होगी और इनके इम्पोर्ट्स में भी प्रॉब्लम्स होगी जो कि ये इन दोनों रीजन से करते हैं ठीक है तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन किया गया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर और ये रिपोर्ट दी है किसने इंटरनेशनल मोनिटरी फंड ने ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कैशानूर फॉरेस्ट डिजीज ठीक है कौन से स्टेट में रिकॉर्ड किया गया इसका करेक्ट आंसर इसका होगा कर्नाटका ये मंकी फीवर है एक्चुअली इसका नाम है मंकी फीवर और वायरल होती है वायरल इन्फेक्शन है एक टिक के द्वारा ये होती है जिसका नाम है हिमाफाइसैलिस स्पाइनी जेरा ये टिक है बेसिकली ठीक है इट इज़ द होस्ट ऑफ ए वायरस और ये कॉज करती है मंकी फीवर यानी कैशनूर फॉरेस्ट डिजीज़ को ठीक है वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट हैं कैशनूर फॉरेस्ट वहाँ पे इसको डिटेक्ट किया था औरजिनेट ये डिजीज़ वहाँ पे हुई थी तो इस वजह से इसका नाम कैशनूर फॉरेस्ट डिजीज़ बोला गया है तीन से पाँच परसेंट की फैटिलिटी होती है अगर सौ आदमी बीमार पड़ते हैं तो तीन से पाँच लोगों की डेथ हो जाती है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यू हैज़ लॉन्च ए डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर फूड सेफ्टी एंड मोबाइल ऐप फॉर कंज्यूमर्स तो ये तमिलनाडु इसका आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट इज़ द नेम ऑफ द एक्लिप्स वैन द मून मूव थ्रू द आउटर पार्ट ऑफ अर्थ शेडो धरती की शेडो के आउटर पार्ट में से निकलता है अगर मून तो जो सोलर जो लूनर एक्लिप्स होता है उसको क्या बोलते हैं तो उसका नाम हो गया पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स देखिए ये अर्थ है ये मून है ठीक है ये सन है धरती की जो छाया का जो बिल्कुल मेन पार्क है जो जो बीच का पार्ट है जिसमें बिल्कुल अंधेरा होता है जो बिल्कुल डार्क है उसको अम्बरा बोलते हैं अम्बरा मून अगर यहाँ है तो हमको टोटल सोलर एक्लिप्स या फिर पार्शियल एक्लिप्स दिखने को मिलेगा दूसरी चीज इसका जो आउटर पार्ट है अम्बरा के आउटर पार्ट है वहाँ पे हल्की सी शेडो होती है जहाँ पे ना रोशनी होती है ना अंधेरा होता है अगर मून वहाँ पे है तो मून की जो 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 रोशनी है मून की जो रोशनी है वो एकदम कम हो जाएगी लेकिन हमको लूनर एक्लिप्स जैसा नहीं दिखाई देगा बल्कि ऐसा बिल्कुल डिम दिखाई देगा मून तो देर आर टू टाइप्स ऑफ द लूनर एक्लिप्सिस वन इज टोटल लूनर एक्लिप्स ये कब होता है जब मून इज पासिंग थ्रू अम्ब्रा ठीक है एंड और दूसरा हो गया पार्शियल लूनर एक्लिप्स वेन मून इज पासिंग थ्रू अम्बरा ओनली बट इट इज़ नॉट कवरिंग द एंटायर शेडो ऑफ द अर्थ ठीक है और थर्ड जो हो गया पेनम्बरल जब पेनम्ब्रा वाले पार्ट में है तो उस टाइम सिर्फ डिम हो जाएगा मून की रोशनी डिम हो जाएगी ठीक है लेकिन वो लूनर एक्लिप्स की तरह हमको नहीं दिखेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया है वो वो हो गया है पैनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स राइट चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री और रीजन्स रेगुलेटर डी रिकोगनाइज सिक्स इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज यूरोपियन यूनियन की एक बॉडी है यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी ये क्या करती है इसका जो काम है ये वहाँ यूरोप की एक यूरोपियन यूनियन की एक रेगुलेटरी एजेंसी है और उसकी रेस्पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन रख और इसने इंडिया की छः नेशनल काउंटर पार्टीज जो होती हैं छः इंडिया के ऑर्गेनाइजेशनस हैं जैसे कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एन एस सी क्लियरिंग लिमिटेड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग जो क्लियरिंग कंपनीज़ हैं जो कि फॉरेन ट्रांजेक्शन के अंदर क्लियरिंग और सेटलमेंट्स में काम करते हैं और एक स्मूथ ट्रांजेक्शन में हेल्प करते हैं ऐसी छः कंपनियाँ जो इंडिया की हैं उनको इसने डी रिकोगनाइज़ कर दिया है अब डी रिकोगनाइज़ इसलिए कर दिया है क्योंकि कुछ इनकी शर्तें थीं जिनके अकॉर्डिंग जो है इंडियन कंपनीज़ को काम करना था लेकिन कुछ कन्फ्लिक्ट था किसके बीच में एस्मा के बीच में और जो भारत की रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं जैसे कि सेबी और आरबीआई बी कुछ कंडीशंस थी जो सीबी और आरबीआई को एक्सेप्टेबल नहीं थी इन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और इसकी वजह से इन्होंने डी रिकोगनाइज़ कर दिया तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूटी इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि हिमाचल प्रदेश की स्कीम है हिमाचल प्रदेश की ये एक स्कीम है और इस स्कीम के अंदर ये हैं कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि जो जितनी भी लेडीज़ हैं 18 से 60 साल के बीच की स्पिति वैली के अंदर उनको पंद्रह सौ रुपया पर महीने की एक सम्मान निधि दी जाएगी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग करेक्ट आंसर इसका है जर्मनी जर्मनी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ये जो एक डायलॉग है ये एक एनुलअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है इनफॉर्मल ठीक है ये इनफॉर्मल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है जर्मनी के अंदर और ये ग्राउंड क्रिएट करती है आने वाली जो फॉर्मल ग्लोबल मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यू एन एफ ट्रिपल सी की जो कन्वेंशन होती है उसके लिए ग्राउंड क्रिएट करती है उसके लिए एजेंडा वगैरह क्रिएट किया जाता है तो ये एक इनफॉर्मल मीटिंग है एनुअल जो कि जर्मनी में होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज हैज विच स्टेट हैज सेटअप ए डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र महाराष्ट्र ने क्या किया है महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया है बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके पीछे ये है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड क्वालिटी रोड्स हैं उनको स्पीड अप किया जाएगा उसकी तेजी से वहाँ पे गुड क्वालिटी रोड्स स्टेट के अंदर बनाए जाएंगे ठीक है तो एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन्होंने एस्टेब्लिश किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम विच वॉ सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड करेक्ट आंसर इसका होगा रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है स्टैटकॉम स्टैटकॉम इज़ बेसिकली स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर अब ये क्या है इट इज़ ए टाइप ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज टू मेंटेन वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव द पावर क्वालिटी वोल्टेज स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की एक टेक्नोलॉजी है ठीक है एक डिवाइस है और जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड जैसे जैसे बढ़ी है सोलर और विंड पावर की तो वोल्टेज स्टेबिलिटी जो होती है उसकी भी डिमांड बढ़ी है तो वोल्टेज स्टेबिलिटी जो है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है उसके लिए ये पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी काम आती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट यूएस स्टेट टू बैन फोजिल फ्यूल्स इन न्यू बिल्डिंग्स तो करेक्ट आंसर इसका होगा न्यूयॉर्क राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इंट्रोड्यूस द चाइना कॉम्पिटिशन टू पॉइंट जीरो चाइना कॉम्पिटिशन टू पॉइंट ज़ीरो बिल अमेरिका ने ये बिल अभी इंट्रोड्यूस किया है और इस बिल के पीछे जो उनकी मंशा है वो ये है कि इस बिल के द्वारा दे वांट टू लिमिट द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी टू बीजिंग टू सेफ द यूनाइटेड स्टेट्स बिजनेस इंटरेस्ट एंड देयर सिक्योरिटी ठीक है चाइना के साथ जो उनकी टेक्नोलॉजी चाइना को फ्लो हो जाती है चली जाती है उसको वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस पार्टिकुलर बिल के थ्रू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द मशीन्स कैन सी 2023 ट्वेंटी समिट तो ये समिट यू के अंदर हुई थी मशीन्स कैन सी 2023 ट्वेंटी यूएई यू की गवर्नमेंट ने इसको होस्ट किया था तैयारी कर रहा है यू अगला सिलिकॉन वैली बनाने के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लिनिकल ट्रायल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय पी डब्ल्यू सी इंडिया इन एसोसिएशन विद विच इंस्टीट्यूशन इसका करेक्ट आंसर होगा यू एस ए आई सी दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय पी डब्ल्यू सी इंडिया एंड इंडिया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ठीक है इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया के जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं दो हजार तेरह के बाद के उनके अंदर जो पार्टिकुलर न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स हैं ट्वेंटी नाइनटीन के उनको उनकी वजह से इंडिया जो है एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया है फॉर कंडक्टिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2023 ट्वेंटी थ्री वॉज कन्वीनड बाई विच इंस्टीट्यूशन साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम ट्वेंटी करेक्ट आंसर होगा इसका यू एस एड नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमेजन फंड इज मेंटेन्ड बाई विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अमेजन फंड जो है उसको मेंटेन uh, किया जाता है ब्राज़ीलियन डिवेलपमेंट बैंक इसके द्वारा ठीक है अमेजन फंड जो है इट वॉज़ क्रिएटेड टू रेज डोनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन एफर्ट टू प्रीवेंट द डिफोरेस्टेशन इन द ब्राज़ीलियन अमेजन और ये जो फंड है इसको मैनेज करता है ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक ठीक है और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो यूके गवर्नमेंट है उसने अभी एक कंट्रीब्यूशन अनाउंस किया था 101 एक मिलियन यूएस डॉलर का इस पर्टिकुलर फंड के अंदर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट वाज बुलंद भारत एक्सरसाइज कंडक्टेड तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो होगा अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के अंदर बुलंद भारत एक्सरसाइज किया गया था ये एक पावर पाव फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी और ये इंडियन की जो इंडिया की जो आर्म फोर्सेस है उन्होंने इसको किया था ये मांडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज है अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे की गई थी चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर आई सिस्टम्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस सेबी ने जो इंट्रोड्यूस किया है एक कम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर आईटी सिस्टम्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कारपोरेशन हैं वो भी इसमें आएंगे और डिपोजिटरीज हैं वो भी आएंगे मेन जो इसका टारगेट है वो है इनकी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन तो उत्तर प्रदेश जो है दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड द डिजिटल हेल्थ कार्ड्स टू चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिलिट्री यूनिट इज एन ऑगजिलरी ऑर्गेनाइजेशन विद पार्ट टाइम वॉल्टियर्स हु असिस्ट द इंडियन आर्मी देखिए ऑगजिलरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया और पार्ट टाइम वॉल्टियर्स हो गए तो ये हो गई हमारी टेरिटोरियल आर्मी ठीक है टेरिटोरियल आर्मी जो है उसकी खास बात यह है कि इट इज़ ए पार्ट टाइम वॉल्टियर बेस्ड फोर्स दैट ऑपरेट्स एज ए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ठीक है टू असिस्ट द रेगुलर इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसीज एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स टेरिटोरियल आर्मी के बारे में तीन चार चीजें मैं बता दूं आपको इसको 1949 के अंदर 1949 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था वाया ए लेजिस्लेशन जिसका नाम था टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 ठीक है दूसरी चीज क्या है जो मेंबर्स होते हैं टेरिटोरियल आर्मी के टेरिटोरियल आर्मी के वो पार्ट टाइम बेसिस पे होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कुछ दिनों के लिए और उसके बाद में जब उनकी ज़रूरत होती है तब उनको बुलाया जाता है सपोर्ट के लिए इंडियन आर्मी की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेमलिन इज़ यूज टू रेफर गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री तो इसका करेक्ट आंसर रशिया होगा इन रशिया क्रेमलिन इज़ द सीट ऑफ पावर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसका सेंटर होता है क्रेमलिन विच इंस्टीट्यूशन इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया के अंदर ठीक है तो वो इर्डाई होगा इर्डाई जो है इट इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1999 में हुआ था ठीक है अंडर द इक्ट एक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियल अम्ब्रियल टाइटेनिया एंड ओबेरॉन दीज आर फोर मून्स ऑफ विच प्लानट करेक्ट आंसर होगा इसका यूरेनस ठीक है ये चारों मून्स जो हैं ये यूरेनस के हैं और नासा की एक स्टडी थी जिसकी वजह से न्यूज़ में थे और उस स्टडी में नासा ने यह कहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ डीप पोशियंस बनीथ द आइस क्रैप आइस क्रैप ऑफ द फोर मूनस ऑफ यूरेनस ठीक है तो इसलिए ये न्यूज़ में था यूरेनस के हैं ये चारों मून और इनमें से मैं आपको बता दूं अगर क्वेश्चन आता है कि यूरेनस का लार्जेस्ट मून कौन सा है तो वो है टाइटेनिया टाइटेनिया इज द लार्जेस्ट मून ऑफ यूरिनस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेलिंग वेसल इज़ अंडरगोइंग ट्रांस ओशियनिक इंटर कॉन्टीनेंटल एक्सपीडिशन करेक्ट आंसर इसका होगा आई एन एस वी तरीनी ठीक है छः महीने का ट्रांस ओशियनिक इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सपीडिशन था और उस पर ये थी और अब ये वापस इंडिया में इसका आने का प्रोसेस था मई के अंदर तो इसलिए ये न्यूज़ में था आई एन एस वी तरीनी नेक्स्ट क्वेश्चन है विद चीफ मिनिस्टर कॉन्फर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड और बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन तो ये जो पर्टिकुलर अवार्ड था ये योगी आदित्यनाथ को दिया गया था किस लिए दिया गया था उत्तर प्रदेश को भयमुक्त करने के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड इस फाउंडेशन ने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है खमजुंग खुंडे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट खमजुंग खुंडे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ये कहाँ है जो इंडिया की सपोर्ट से बनाया जा रहा है तो ये नेपाल में है ये दो खमजुंग और कुंडे जो है ये दो अलग अलग विलेजेज़ हैं और तीस टू विलेजेज़ आर बेसिकली लोकेटेड इन द खुम्बू रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट नेपाल माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल पास में हैं ये पॉपुलर डेस्टिनेशनस हैं उन लोगों के लिए जो ट्रैकिंग पे जाते हैं जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जाते हैं जो क्लाइंबर्स एंड ट्रैकर्स होते हैं उनके लिए द पीपल हु और विजिटिंग एट द एवरेस्ट बेस कैंप ठीक है वहाँ के लोगों को पता होगा कि ये दो जो प्लेसेज हैं दे आर वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन ओवर दे एयर ठीक है तो वहाँ पर टूरिज्म और पॉपुलेशन दोनों बढ़ी है तो वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आई तो भारत सरकार जो है हेल्प कर रही है और वहाँ पर ये वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन एंड रिसर्च एंड एंटरप्रीनोरशिप सी आई टू आर ई हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट चाइना सेंट्रल इंडिया सेंट्रल एशिया समिट चाइना सेंट्रल एशिया समिट जो है वो चाइना में ही हुई थी चाइना एशिया चाइना सेंट्रल एशिया समिट जो है वो चाइना में ही हुई थी और ये चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग उनका उन्होंने होस्ट की है इसमें सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं उनके लीडर्स कजाकिस्तान के किर्जगिस्तान के ताजिकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान के और उज्बेकिस्तान के उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मिग ट्वेंटी वन जेट वॉज डिज़ाइन बाई विच कंट्री करेक्ट आंसर इसका रशिया है एक्चुअल में तो ये सोवियत यूनियन था उस टाइम में जब मिग ट्वेंटी वन जैट का डेवलपमेंट हुआ था इसका नाम है मिकोविच 21 ट्वेंटी वन ये एक सुपरसोनिक जेट फाइटर हैं और नाइनटीन सिक्सटीज़ के अंदर इंडिया की जो आर्मी है इंडिया की जो एयर फोर्स है उसमें इंडक्ट किया गया था इसको और अभी इसको इंडिया फेज आउट कर रहा है तीन स्क्वाड्रन्स बची है जिनको धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस मीडिया कम्युनिकेशन सेल यानी एस एम सी सी इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री इसका करेक्ट आंसर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगनाथ टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड तुंगनाथ टेम्पल जो है इट इज़ वन ऑफ द फाइव शिवा टेम्पल्स जिनको पंच केदार बोला जाता है उत्तराखंड में पंच केदार पांच शिवजी के मंदिर हैं और वो है पंच केदार उनमें से एक तुंगनाथ है पहला है केदारनाथ केदारनाथ सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेम्पल अगर है उत्तराखंड में तो वो केदारनाथ का ही हुआ शिवजी के टेम्पल्स में दूसरा है तुंगनाथ तुंगनाथ टेम्पल ठीक है तीसरा है तीसरा टेम्पल हो गया मध्य महेश्वर मध्य महेश्वर फोर्थ हो गया रुद्रनाथ टेम्पल और पांचवा हो गया कल्पेश्वर रुद्रनाथ और पांचवा है कल्पेश्वर ये पांच मंदिर उत्तराखंड के इनको पंच केदार बोला जाता है तो ये मंदिर यहाँ पे हैं ठीक है और <coughs> न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसको जो है नेशनल मोनूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो क्विक इज ए रिसेंटली डिवेलप्ड मेथड टू डायग्नोज विच टाइप ऑफ द डिजीज़ेस, बेसिकली क्विक का मतलब हो गया नैनो पार्टिकल इन्हेंस्ड क्वैकिंग इंड्यूस्ड कन्वर्जन ठीक है एंड इट इज़ ए ग्राउंड ब्रेकिंग डायग्नोसिस मेथड जो कि क्विक और एक्यूरेट डिटेक्शन कर लेगी कुछ न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेज का जैसे अल्जाइमर पार्किसन्स इस तरह की जो डिजीज है उनको यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा है यूएस में उन्होंने जो है इसको डेवलप किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा प्रतिभा इवेंट विल बी लॉन्च्ड बाय माई गोव इन इन कोलेबोरेशन विद विच यूनियन मिनिस्ट्री तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज इको एग्जीबिशन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इन दोनों ने यह इको एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज uh, की थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया साइंड ए मोबिलिटी पैक्ट दैट विल अलाउ ट्वेंटी फोर्टी टू थाउजेंड इंडियंस टू वर्क विद विच कंट्री करेक्ट आंसर इसका होगा इसराइल इंडिया और इसराइल ने यह एक मोबिलिटी पैक्ट साइन किया है ठीक है इट विल अलो फोर्टी टू थाउजेंड इंडियन वर्कर्स टू वर्क इन इज़राइल इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग एंड कंस्ट्रक्शन राइट सो ये दो फील्ड है जहाँ पे बयालीस हज़ार इंडियन लोग काम करेंगे उसके लिए एक मोबिलिटी पैक्ट इन दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री सेलिब्रेट्स विक्ट्री डे टू मार्क इट्स विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है करेक्ट आंसर होगा इसका रसिया बेसिकली विक्ट्री डे है इसको विक्ट्री इन यूरोप डे बोला जाता है विक्ट्री इन यूरोप डे ये एक पार्टिकुलर डे है जो एक सिग्निफिकेंट हॉलीडे है पब्लिक uh, हॉलीडे है रशिया के अंदर और वर्ल्ड वार टू के अंदर नाजी जर्मनी जो है उन्होंने अलाइड फोर्स के सामने सरेंडर जो किया था ये उस चीज़ को मार्क करती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन नॉन्स रिन्यूएबल ग्रिड इंटीग्रेशन लैबोरेटरी एंड ग्रीन हाइड्रोजन लेबोरेटरी इसका करेक्ट आंसर होगा आई आई टी रूड की नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैंक डिलीवरी अंडर आईड्रोन इनिशियेटिव तो अब आपके एग्जाम में हो सकता है मॉडिफिकेशन करके आ जाए कि आईड्रोन इनिशियेटिव किसका था तो बेसिकली ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक इनिशियेटिव है ब्लड का ड्रोन के थ्रू डिलीवरी करने का जो आ, आ, करने के लिए जो एफर्ट किए जाते हैं उसका नाम इस इनिशिएटिव का रखा गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी फिफ्थ इंडोथाई कारपेट इट वॉज ऑर्गेनाइज इन विच रीजन द करेक्ट आंसर जो है उसका वो होगा अंडमान सी अंडमान सी के अंदर ये एक एक्सरसाइज की गई थी इसमें इंडिया का जो नेवल शिप था आईएनएस केसरी उसने पार्टिसिपेट किया था वैसा ही एक दूसरा शिप थाईलैंड का था साइबुरी फ्रिगेट उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था बेसिकली ये मेरी पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो हैं उनकी एक्सरसाइज थी तो मेरी पेट्रोल जो है उसके लिए ये एक्सरसाइज थी नेक्स्ट है काजीरंगा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है काजीरंगा आपको सबको पता है आसाम में है यह आसाम स्टेट का प्रोजेक्ट है यहाँ पे एलिवेटेड रोड रोड बनाए जाएंगे यहाँ पे ये यह होगा कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ जगह मार्क की है ठीक है जहाँ पे जानवरों की क्रॉसिंग्स ज़्यादा होती है और वहाँ पे एलिवेटेड रोड्स बनाए जाएंगे ताकि वहाँ जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान कम हो नेक्स्ट क्वेश्चन है फज़िल रिमेन्स ऑफ जैन प्लायोसोर वॉज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री रिसेंटली ठीक है चाहें ये जॉइंट प्लायोसोर जो था वो होगा करेक्ट आंसर इसका होगा इंग्लैंड प्लायोसोर क्या थे मैराइन रेप्टाइल्स नेक्स्ट इज विच स्टेट और यूटी हैज अनाउंस्ड द मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द इम्प्रूविंग मैटरनल एंड न्यूबोर्न हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड रिड्यूसिंग स्टिल बर्थ रिपोर्ट एक रिपोर्ट थी ये और ये रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की तीन ऑर्गेनाइजेशन है यू के ए डब्ल्यू और यूनिसेफ और यू तीनों ने इसको एडिट किया है और बेसिकली इसका कहना यह है कि 2015 से लेके अब तक जो न्यूबोर्न और मैटर्नल डेथ जो होती हैं वर्ल्ड में कोई उनमें प्रोग्रेस ज़्यादा कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं हुई है कोई ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट और यू टी हैज़ इनोग्रेट द सी हेरियर म्यूजियम तो सी हेरियर म्यूजियम जो है वो अभी मई में आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो है वहाँ पे इसको इनोग्रेट किया गया है यहाँ पे सी हैरियर एस एच सिक्स ज़ीरो सिक्स फाइटर जेट जो है उसको वहाँ पे डिस्प्ले किया गया है इस म्यूजियम के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ एफ डी ए फोर थाउजेंड ओ एफ डी ए फोर थाउजेंड इज़ ए स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट विच हैज़ बीन प्रोक्योर्ड बाई विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जम्मू एंड कश्मीर होगा जम्मू एंड कश्मीर ने इसको पशमीना वूल की ओथेंटिसिटी एस्टेब्लिश करने के लिए ये एक इक्विपमेंट है और वो हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट जो कश्मीर का है उन्होंने जो है इसको प्रोक्योर किया है ठीक है तो ओ एफ डी ए फोर थाउजेंड जो है वो एक इक्विपमेंट है और इसका यूज़ किया जाएगा किसमें पश्मीना वूल जो है जो कश्मीर में होती है उसका ऑथेंटिसिटी एस्टेब्लिश करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ए लर्निंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसका नाम है सक्षम तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसने ये एल लॉन्च किया है और इस सक्षम जो है इसका फुल फॉर्म हो गया स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट ठीक है तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इसको जो है ग्लोबली रिलेवेंट नॉलेज लेने के लिए इसको यूज में ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सिक्स इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस करेक्ट आंसर इसका होगा बांग्लादेश छठी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है उसका वेन्यू रहेगा ढाका इन बांग्लादेश ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर न्यू रिपोर्ट विच कंट्रीज ई वेस्ट जनरेशन पर पर्सन ट्रिपल्ड ओवर द लास्ट टू टिकेट्स बीस साल के अंदर तीन गुना हो गया कौन से कंट्री में कनाडा के अंदर इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द एक्सपेंशन ऑफ आई सी एम ऑन विच इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडियन कार्बन मार्केट सो बेसिकली इंडियन कार्बन मार्केट वेयर ए नेशनल फ्रेमवर्क हैज टू बी एस्टेब्लिश विद ऑब्जेक्टिव टू डी कॉर्बोनाइज डी कार्बोनाइज द इंडियन इकोनॉमी इसमें होगा ये कि ग्रीन हाउस गैस एमीशंस जो हैं उसको आ, उसका आ, उसको रिड्यूस किया जाएगा उसके अमीशन का और कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स ये दो चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएंगी इस मार्केट के अंदर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेजन ऑफ टिनी इंसेक्ट नेम्ड इरेटमोपटेरा मरफाई इज़ चेंजिंग द इकोसिस्टम ऑफ विच कॉन्टीनेंट तो ये अंटार्क्टिका के अंदर एक पार्टिकुलर इंसेक्ट है और ये अभी न्यूज़ में था कि इसकी वजह से एक फ़्लाइटलेस मीज होता है एक फ्लाइटलेस इंसेक्ट है और ये वहाँ की जो सॉइल है और इको सिस्टम है वो वहाँ का जो डैड ऑर्गेनिक मैटर है उसको फीड करता है और उसकी वजह से जो चेंजेस है चेंजेस कर रहा है वहाँ पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलेज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2023 ये रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ की है आईडीएमसी ने आईडीएमसी क्या है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर जो है इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2023 अब ये क्या है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वो इंटरनल डिसमेंट पे ही काम करता है और ये जिनेवा में इसका हेडकवाटर्स है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सितवे पोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इज इन विच कंट्री करेक्ट आंसर इसका होगा म्यांमार म्यांमार में ये पोर्ट है सितवे पोर्ट इसको डेवलप किया है इंडिया ने और ये इंडिया का आ, इंडिया के जो कार्गो हैं उनको बर्मा तक पहुंचाने के लिए एक अल्टरनेटिव पोस्ट इफेक्टिव एंड स्मॉलर रूट देता है हमको ठीक है ये पार्ट है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का इंडिया के द्वारा सपोर्टेड है ये 9 मई 2023 को यहाँ पे ये यह हुआ था कि इंडिया का पहला कार्गो शिप यहाँ डॉक किया था यहाँ पे पहुँचा था तो ये दो तीन चीज़ें हैं कि सितवे पोर्ट कौन से कंट्री में है म्यांमार में कौन से स्टेट में है कला रेखाइन स्टेट में और कौन सी रिवर पे कलादान रिवर पे डेवलप्ड बाई इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइक्लोन हैज़ हिट म्यांमार एंड वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट स्टॉम्स टू हिट द रीजन इन दिस सेंचुरी तो ये साइक्लोन मोचा है साइक्लोन मोचा ने अभी हाल ही में काफ़ी नुकसान किया है बर्मा के अंदर ये सेकेंड डिप्रेशन था इसका ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन सीजन का ग्यारह मई को इसने लैंडफॉल किया था और करीब चार सौ के आसपास लोग वहाँ मारे गए थे काफ़ी नुकसान भी किया था इसने नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ फिफ्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल तिरुवंतपुरम जो है इट इज़ द होस्ट ऑफ फिफ्थ एडिशन ऑफ गोबल ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली लीगलाइज्ड यूथनेजिया तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाल पुर्तगाल जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक नया लॉ पास किया है और उसके अकॉर्डिंग इच्छा मृत्यु है उसको इन्होंने जो है लीगलाइज कर दिया है एज ऑफ नाउ यूथेनेजिया जो है वो कुछ एक देशों में लीगल है जिसमें बेल्जियम कनाडा, कोलंबिया, लक्ज़मबर्ग नीदरलैंड न्यूजीलैंड पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ये सब आते हैं ठीक okay. है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सेटअप द पल्ली कर्मा सहायक फाउंडेशन पल्ली कर्मा सहायक फाउंडेशन ये फाउंडेशन बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने वहाँ पर सेटअप किया है और ये असिस्टेंस किन को देता है ये उनको देता है जो नॉट फॉर प्रोफिट माइक्रो लैंडर्स हैं उन लोगों के लिए तो इंडिया का जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसके लिए इसका जो मॉडल है वो थोड़ा सा उसको अडोप्ट किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जयंत वी नरलीकर हुआ सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन सो ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर जयंत वी नरलीकर कौन थे ये ही वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ ए एस आई गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ठीक है और ये अवार्ड दो हजार बाईस के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो गोल्डन जुबली थी पचास साल थे उसके ऊपर एस्टेब्लिश किया था गोविंद स्वरूप अवार्ड जो है ए एस आई गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के जो फर्स्ट विनर हैं वो हो गए डॉक्टर जयंत वी नार्लीकर अब गोविंद स्वरूप जो है वो कौन थे गोविंद स्वरूप जो थे वो इंडिया के पायोनियर रेडियो एस्ट्रोनोमर थे ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया ठीक है इन्होंने रेडियो एस्ट्रोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया था इंडिया में 1960 1960 के आसपास इन्होंने रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर यानी आर ए सी ऊटी में एस्टेब्लिश करवाया था तो ही वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ आर ए सी एंड दैट आर लेटर बिकेम द नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स अंडर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसके अलावा जो सेकेंड मेजर एस्टेब्लिशमेंट था जिसमें गोविंद स्वरूप जी का कंट्रीब्यूशन रहा वो था जेंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जेंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जी एम आर टी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप्स ऑफ द वर्ल्ड दोनों पर्सनलिटीज़ के बारे में आपको मैंने बता दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबिल्ड केरला इनिशिएटिव इज एम्ड एट रिबिल्डिंग विच तो बेसिकली ये वहाँ के रोड्स को डिवेलपमेंट करने का एक इनिशिएटिव है केरला गवर्नमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड फर्स्ट इंटीग्रेटेड मशीन फॉर manufacturing ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स यानी हस्की आईकोर हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड भी केरला राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रपोज ए फंडिंग ऑफ वन सिक्सटी फाइव मिलियन यू एस टी फॉर केरा प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट सो केरा प्रोग्राम जो है वो केरला गोरमेंट का है केरा प्रोग्राम केरला गवर्मेंट का है केरला इकोनॉमिक रिवाइवल प्रोग्राम बेसिकली इसका एम है वो है केरला के, के एग्रीकल्चरल सेक्टर को इम्प्रूव करना उसको रिवाइव करना ठीक है और वर्ल्ड बैंक जो है एक मिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिदम सांगवान हु वॉज सीन इन द न्यूज़ प्लेज विच स्पोर्ट्स सो ये एक शूटिंग की खिलाड़ी हैं रिदम सांगवान हाल ही में न्यूज़ में थी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमन की जो टेन मीटर एयर पिस्टल इवेंट है कहाँ पे आई एस एस एफ वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है जो कि अजरबैजान में हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च एन वी एस जीरो वन नेविगेशन सेटेलाइट तो ये एन वी एस जीरो वन नेविगेशन सेटेलाइट क्या है इंडिया का जो नाविक सेटेलाइट सिस्टम है नाविक उसमें ये एक सेवन सेटेलाइट की है कॉन्स्टलेशन है सेवन सेटेलाइट में से एक सेटेलाइट है आई आर एन एस एस वन जी आई आर एन एस एस वन जी इस पार्टिकुलर सेटेलाइट को रिप्लेस करके एक अपग्रेडेड सेटेलाइट के द्वारा रिप्लेस किया गया है एन वी एस जीरो वन नेविगेशन सेटेलाइट ठीक है तो नाविक के जो सेटेलाइट्स हैं उनको अब एक एक करके अपग्रेड करने की बात है तो उसमें ये पहला सेटेलाइट है एन वी एस जीरो वन तो ये इंडिया से रिलेटेड हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द ग्रेट ग्रांड फादर ट्री लोकेटेड ग्रेट ग्रांड फादर ट्री ये चिली में लोकेटेड है काफ़ी पुराना पेड़ है पाँच हजार साल पुराना बताते हैं उसको ठीक है और इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एज ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड विच इंस्टीट्यूशन डिवेलप्ड द नैनो एक्वेस ऑल ऑर्गेनिक रिडक्स फ्लो बैटरी नोर एफ बी ये बैटरी जो है किस इंस्टीट्यूशन ने तो ये इसका डिवेलपमेंट किया है आई आई टी मद्रास ने नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द इनोग्रल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडिया ई यू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन बिल्ट द आई एन एस मोरमोग गाइडेड मिसाइल डेस्टोयर ऑफ द इंडियन नेवी आई एन एस मोरमोगाव जो है उसका डेवलपमेंट किया था मजगाह डॉक लिमिटेड ने

दे हैव टू बी इंक्लूडेड इन द डिफेंस प्रोडक्शन ठीक है तो ये इंडिया से ही इनको सोर्स करने हैं और इंडिया में ही इनको यूज़ करना है तो ये लिस्ट हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन है पसांग देवा शेरपा हुआ सीन इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड सो ही इज़ ए माउंटेनियर पर्वतारोही है ये और इन्होंने वो सेकंड पर्सन बने हैं अभी आ, रिसेंट में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को छब्बीसवीं टाइम जो है क्लाइम किया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर जो है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की और ये रिपोर्ट जो है इसने ये कहा है बेसिकली कि जो प्री ईयर थे पैंडमिक के बाद में अब जो ग्लोबल टूरिज्म ट्रैफिक है वो करीब करीब उन लेवल पे वापस आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज़ एस्टेब्लिश ए नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर ई एम सी लिमिटेड आर ई एम सी लिमिटेड आर ई एम सी का फुल फॉर्म क्या हो गया रेलवे एनर्जी रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा एच पी ए आई हैजिन कंफर्ड इन विच कंट्री तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राजील ये क्या है ये बेसिकली एवियन इन्फ्लुएंजा का बीमारी है हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा और ये फर्स्ट टाइम ब्राजील जो है वहां पे जो वाइल्ड बर्ड्स हैं उनके अंदर ये डिटेक्ट किया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्प्रिंग 23 इकोनॉमिक फोरकास्ट करेक्ट आंसर होगा यूरोपियन कमीशन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सितिवेनी रबुका हु अपोलोजाइज्ड फॉर इज रोल इन नाइनटीन एटी सेवन मिलिट्री कू इज द इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ठीक है तो ये फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं तो इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक पब्लिक अपोलोजी दी थी 1987 में वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ था फिजी के अंदर उसके लिए और उस टाइम वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवर थ्रो कर दिया था इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन है आर क्यूब टेरस अंजीएनसिस इज द ओल्डेस्ट सी स्कॉर्पियन हैज़ बीन फाउंड इन विच कंट्री करेक्ट आंसर है इसका चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज होस्ट टू लोज सेम ट्वेंटी थ्री द नेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेमिनार करेक्ट आंसर होगा इसका न्यू डेली नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिफेंस वट इज द नेम ऑफ द एक्शन अगेंस्ट एन एडवर्सरी विदाउट डायरेक्ट कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन इसको नॉन काइनेटिक वारफेयर बोलते हैं नॉन काइनेटिक वारफेयर देखिए काइनेटिक और नॉन काइनेटिक क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों के अंदर नॉन काइनेटिक वारफेयर में क्या होता है कि जो ये एक्चुअली एक कॉन्टेक्ट लेस वारफेयर होता है ठीक है ना और इसमें कोई डायरेक्ट मिलिट्री कन्वेंशनल जो मिलिट्री एक्शन होता है वो नहीं होता है इसके अंदर क्या होता है कि आ, कोई बुलेट्स का टैंक्स का मिसाइल्स का एयर फोर्स का इनका इस्तेमाल नहीं होता है या फिर बिल्कुल कम होता है और इसमें जो अदर मीन्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू अचीव द स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिवस जैसे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हो गए जिनको साइऑप्स भी बोलते हैं इसके अलावा साइबर वारफेयर हो गया इंफॉर्मेशन वारफेयर हो गया इकोनॉमिक वारफेयर हो गया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो गया ठीक है तो ये सारी जो नॉन कन्वेंशनल जो वारफेयर है वो नॉन काइनेटिक वारफेयर कहा जाता है नॉन काइनेटिक वारफेयर इज़ द दार इन विच नो लीथल वीपन इज यूज़ लीथल वीपन इज़ यूज्ड किसी को मारा नहीं जाता लेकिन ऐसा काम किया जाता है कि जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी कंट्री के वो उनको एक्सेप्ट कर लिए उनको अचीव कर लिया जाए राइट right? नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन हैज प्रपोज स्पेशल राइट फॉर यूनिट होल्डर्स ऑफ रीट एंड एमिटीज ठीक है करेक्ट आंसर होगा इसका से बी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है Which institution is associated with surety bonds? The correct answer of this question would be Airdai Insurance Regulatory and Development Authority. It has relaxed the norms for surety bonds basically with an objective to expand the surety insurance market in India. Okay. Next question is What is the name of the eye disease? कोज्ड बाई इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रेकामो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस ट्रेकोमा होती है ये बीमारी जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है ठीक है और ट्रेकोमा जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक डेढ़ परसेंट जो आ, ग्लोबल ब्लाइंडनेस होती है उसमें ये इसका रोल होता है ठीक तो, है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बटरफ्लाइज बिलोंग टू सब ऑर्डर ऑफ विच स्पीसीज सी बटरफ्लाईज जो होती हैं वो स्नेल्स होती हैं एक प्रकार की ये आपको याद रखना है सी बटरफ्लाइज आर बेसिकली स्नेल्स विच सिटी इज द नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव दू ऑफ द वेन्यू ऑफ नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव तो ये होगी न्यू डेली के अंदर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहाँ पे है ये तो किश्तवाड़ आपको सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर में है तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ये हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो है वहाँ पे मौजूद है ठीक है न्यूज़ में क्यों था ये यहाँ पे जो है एक कोई कैमरा ट्रैप लगाया हुआ था जहाँ पे स्नो ल्योपॉर्ड को उसने जो है ट्रैप किया था नेक्स्ट विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द फेम टू स्कीम FAME टू इज बेसिकली फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम स्कीम 2015 में लॉन्च की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फास्टर अडोप्शन और डेवलपमेंट के लिए अभी फेम टू चल रही है ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज द ऑपरेशन ध्वस्त ऑर्गेनाइज द ऑपरेशन ध्वस्त ऑपरेशन ध्वस्त जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी किया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है आठ स्टेट में एक साथ जो है रेड की थी टू ब्रेक द टेररिस्ट गैंगस्टर एंड ड्रग स्मलर्स नेक्सस ठीक है अगला क्वेश्चन है यूके एंड नीदरलैंड्स एग्रीड टू बिल्ड ए कोलिशन टू हेल्प इन प्रोक्योरमेंट ऑफ एफ सिक्सटीन फाइटर जेट्स फॉर विच कंट्री करेक्ट आंसर इज यूक्रेन यूके और नीदरलैंड्स दोनों कोलिशन बना रहे हैं एफ सिक्सटीन फाइटर्स जो है यूक्रेन को देने के लिए ताकि वो रशिया से अपनी लड़ाई को कंटिन्यू कर सके और, और एग्रेसिव हो सके अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बजट आउटले ऑफ़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 पॉइंट जीरो फॉर आई टी हार्डवेयर ठीक है तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 है आई हार्डवेयर के लिए उसमें गवर्नमेंट का जो लेआउट है आउटले है वो सत्रह करोड़ रुपये रखा गया है सेवनटीन थाउजेंड करोड़ रखा गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइस मेज़ कॉटन क्रॉप्स आर यूजुअली सोन इन विच सीज़न तो राइस मेज और कॉटन जनरली ये खरीफ क्रॉप्स हैं खरीफ रबी और जायद ये तीन इंडिया के क्रॉप सीजन है खरीफ जो है इसको मॉनसून में उगाया जाता है और सर्दी शुरू होने से पहले ये इसको रीप कर लिया जाता है रबी जो है ये विंटर सीजन की क्रॉप है और ये समर सीजन की क्रॉप्स हैं इसके खरीफ के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसके अंदर आ गया राइस मेज़ शोरगम जिसको ज्वार भी बोलते हैं बाजरा पाल मिलट हो गया जो कॉटन ग्राउंडनट सोयाबीन शुगर केन हल्दी मूंग उड़द और अरड़ की जो दाल होती है वो ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं रबी क्रॉप्स की अगर आप बात करोगे तो रबी के अंदर गेहूँ आ गया जौ आ गया बारले जिसको बोलेंगे मस्टर्ड आ गया चना आ गया चिकपी बोलते हैं जिसको मटर आ गए लेंटिल्स हो गए मसूर की दाल जो होती है फ्लैक्सीड आ गया लिनसीड जिसको बोल सकते हैं सफ्लावर आ गया कोरिएंडर आ गया क्यूमिन आ गया ये सारे जो है दीज आर लेस डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर एंड कंट्रोल रेट कोल्ड टेम्परेचर्स ये रबी क्रॉप्स की खास बात होती है जायद क्रॉप्स जो होती हैं वो समर में उगाई जाती हैं उसमें एग्ज़ाम्पल जितने भी मेलनस हो गए जैसे वाटर मेलन मस्क मेलन इसके अलावा कुकुम्बर फैमिली के जितने भी प्लांट्स हो गए कुकुम्बर हो गया बिटर गोल्ड हो गया पंपकिन हो गया बोटल गोल्ड हो गया और इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे स्पेनेच हो गया फेनोग्रीक हो गया लेट्यूस हो गया ये सब जायद क्रॉप्स में आती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटिथोलस क्लिमेंसाई इज ए न्यूली डिस्कवर्ड जीनस एंड स्पीसीज ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनासोर फाउंड इन विच कंट्री तो करेक्ट आंसर इसका होगा यूएसए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है च स्टेट और यू टी हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द ऑर्डीनेंस अमेंडिंग हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट करेक्ट आंसर इज़ केरला केरला जो है इसने ये हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको चेंज करना है और इसमें इस्ट प्रोविजन्स रखे हैं उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट में वायलेंस करते हैं या हॉस्पिटल के अंदर वायलेंस करते हैं उनको उस पर कंट्रोल करने के लिए ये चेंजेस जो है वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी टी एस अनाउंस टू लॉन्च फाइव जी टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इनिशियटिव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये टारगेट है टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तक सेवेंटी फाइव मिलियन लोगों तक जो हाइपर टेंशन है उसके बारे में अवेयरनेस को पहुंचाना है ठीक है सो so बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट टारगेट ऑफ रीचिंग सेवनटी फाइव मिलियन पीपल विद हाइपर टेंशन अंडर स्टैंडर्ड केयर इन द प्राइमरीयर बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इज द सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इनिशियटिव ये जो है दुनिया का प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट कवर हो सकता है अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजे ठीक है वर्ल्ड जो हाईपर टेंशन है दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया लॉन्च ऑपरेशन करोणा टू असिस्ट विच कंट्री तो ये म्यांमार के लिए जब साइक्लोन मोचा ने जब साइक्लोन मोचा आया तो म्यांमार के अंदर जो परेशानियां खड़ी हुई जो नुकसान हुआ उसमें सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने अपनी तरफ से जो असिस्टेंस भेजी थी उसका नाम दिया था ऑपरेशन करोना और इसके अंदर फूड आइटम्स टेंट्स हो गए इसेंशियल मेडिसिन हो गई वाटर पम्पस हो गए पोर्टेबल जनरेटर्स हो गए ये सब चीज़ें इंडिया ने वहाँ भेजी थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू मैन्युफैक्चर जेनरिक वेरिएंट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग कार्बो टी ग्रेवियर ये एक दवाई है सी ए बी एल ए ड्रग ठीक है ना एच आई वी प्रिवेंशन में काम आती है कौन से कंट्री जो है इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है अभी साउथ अफ्रीका इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ द मेडिसिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट ठीक है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ये अपडेट रिलीज किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एस बी एफ ए स्कीम वट परसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्रोवाइडेड एज असिस्टेंस टू शिप यार्ड्स फॉर स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स तो ये इसका बीस परसेंट हो गया बेसिकली होता क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसके अंतर्गत इंडिया की जो शिप इंडस्ट्री है उसको ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश हो रही है और इसमें क्या होता है कि जो इंडियन शिप हैं उनको 20 परसेंट तक की जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वहाँ तक की असिस्टेंस जो है जितने भी वो शिप्स बनाते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है तो इस स्कीम का नाम है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एस बी एफ ए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है ये स्कीम शिप बनाओ उसमें गवर्नमेंट बीस आपको हेल्प करेगी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन प्रपोज चेंजेस टू द डेफिनेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यू पी एस आई क्या होती है ये देखिए इसका आंसर तो हो गया है सेबी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होते हैं इसकी जो डेफिनेशन है सेबी ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक्चुअली होती है एनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन दैट दैट कैन सिग्निफिकेंटली चेंज और इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ कंपनी शेयर्स इन द मार्केट्स कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर बाहर आ जाए तो शेयर में बहुत बड़ी उठापटक हो जाए ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बोला जाता है बेसिकली ये जो प्रोविजन होता है इसका वो होता है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए और शेयर मार्केट्स की स्टेबिलिटी के लिए दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट मेड टू द पब्लिक ठीक है ना और इट इसका अगर डिस्क्लोजर हो जाए तो इट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट्स इन द कंपनी सिक्योरिटीज और बाकी की जो कंपनीज है उनमें भी ये चेंजेस कर सकते हैं ये डेफिनेशन जो है यू की उसके अंदर कुछ चेंजेस जो हैं वो सेबी ने अभी थोड़े दिनों पहले प्रपोज किए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियाशन आईडी इज द फ्लैगशिप स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन तो इसका करेक्ट आंसर होगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द आई डी एम सी रिपोर्ट ऑफ इंटरनल डिस इन इंडिया हाउ मनी पीपल इंडिया वर इंटरनली डिस एज ए रिजल्ट ऑफ नैचुरल डिजेस्टर इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब ढाई मिलियन पच्चीस लाख लोग ऐसे हैं जो नेचुरल डिजेस्टर्स की वजह से इंटरनली डिस इंडिया के अंदर एक स्टेट या फिर एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द विंग्स इंडिया 2024 इवेंट तो ये जो होस्ट है इसका इसका होस्ट है हैदराबाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज अनवेल्ड ए सेमी कंडक्टर स्ट्रैटी टू मिनिमाइज इट्स डिपेंडेंट ऑन एशियन प्रोडक्शन तो यूके ने अभी थोड़े दिनों पहले एक यूके गवर्नमेंट जो है उसने अनवेल किया है अपनी एक न्यू सेमीकंडक्टर कंड सेमी कंडक्टर स्ट्रेटी टू मिनिमाइज इट्स डिपेंडेंस ऑन एशियन प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चिप्स सेमी के अंदर चाइना का डोमिनेट चाइना डोमिनेट कर रहा है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स ट्वेंटी ये रिपोर्ट जो है डब्ल्यू रिलीज करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्लादिवोस्टोक पोर्ट विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री तो इसका करेक्ट आंसर होगा रशिया ये पोर्ट जो है रशिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट के अंदर है और वहाँ पे ये पोर्ट कुछ दिनों पहले चाइना के लिए एक्सेसिबल कर दिया गया था ताकि चाइना अपने नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर एज़ ए ट्रांज़िट हब यूज़ कर सके ताकि चाइना का जो नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल बेस है उसको रिवाइटलाइज किया जा सके ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च द पैच रिपोर्टिंग ऐप टू मेक रोड्स स्टेट रोड्स इन द स्टेट फ्री ऑफ पोर्ट उत्तराखंड सरकार ने एक ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है जहाँ पे अगर आपको सड़क पे कोई पैच दिखे कोई पोर्ट होल दिखे तो उसको आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो ताकि गवर्नमेंट उसको ठीक कर दें विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली हिट बाय द अफ्रीकन प्लूम हीट वेव अफ्रीकन प्लूम हीटवेव जो हैं उसकी वजह से यूके में प्रभाव पड़ा है ठीक है अफ्रीकन प्लूम वेव जो होते हैं वो हो गया कि जो गर्म हवा है वो अफ्रीका के सहारा डेजर्ट से यूरोप की तरफ आएगी और वहाँ पे जो है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो है क्रिएट करेगी उसका नाम दिया गया है अफ्रीकन प्लीम हीटवेव और यूके जो है इससे अच्छा खासा प्रभावित हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द सेवनटी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसका करेक्ट आंसर है जीनीवा नेक्स्ट क्वेश्चन है बखमुट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री तो ये यूरोप यूक्रेन में है ये यूक्रेन का प्लेस है बखमुत ठीक है एक माइनिंग टाउन है यूक्रेन में रशिया ने डिक्लेयर किया कि उसने बखमुत को जीत लिया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द Special status on Delhi to Delhi. Okay, the correct answer will be Article Two Thirty Nine AA That is the article which provides the special status to and city of Delhi. The next question is: Scientists from the Indian Institute of Astrophysics have proposed a new metric named RMS (Root Mean Square). That is the root mean square. This is the correct answer. राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज करंटली फार्मोलेटिंग ए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बना रहे हैं तो अभी न्यूज़ में हिमाचल प्रदेश था नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द न्यू डेपूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका तो डी के शिवा कुमार जो अभी कर्नाटका में मई में जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है उसमें वो उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे अगला है सेंडाई फ्रेमवर्क किस चीज़ से रिलेटेड है तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो डिजास्टर रिस्क या डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उससे रिलेटेड हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है गेंद्स स्टार्टअप चैलेंज वाज स्टार्टेड वाज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी आर एस सी यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जी आर एस सी इन्होंने एक एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम 2023 लॉन्च की थी कोलकाता के अंदर ताकि वो इनोवेटिव सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप का डेवलपमेंट uh, के लिए तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द यू एस साइंड एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री तो ये इसका अभी मई के अंदर पेपुआ न्यू गिनिया जो है उससे हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग आर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन विल लॉन्च ओ एकेडमी? अकेडमी जाहिर सी बात है ओ होगा ओ एनडीसी है ओपन नेटवर्क ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डिजिटल कॉमर्स ओ एन डी सी नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च रिसेंटली बाई विच स्टेट तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंजरसली हॉट एरियाज रेफर टू रीजंस विद मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ मोर देन सो करेक्ट आंसर विल बी ट्वेंटी नाइन डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस तो एनी प्लेस विच हेज़ ए मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ मोर देन ट्वेंटी नाइन डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज कोल्ड डेंजरसली हॉट एरियाज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज सेट टू बिल्ड द महाराणा प्रताप लोक मध्य प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि वो एक महाराणा प्रताप लोक जो है वहाँ पर बनाएंगे इन भोपाल ठीक है कहाँ पर भोपाल में और जो महाराणा प्रताप की जयंती है उसको भी इन्होंने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने होलीडे डिक्लेयर किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ प्रोपोज द जी ट्वेंटी हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोजन करेक्ट आंसर इज़ इंडिया इंडिया जो है वो प्रपोज कर रहा है कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन जो होता है ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन होता है वो इस तरह से उसके कुछ नॉर्म्स जो है ग्लोबल नॉर्म्स सेट कर देने चाहिए और वो इस प्रकार से होने चाहिए कि अगर एक किलोग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है तो मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अगेंस्ट में एमिशन कर सकते हैं वो दो किलोग्राम होनी चाहिए सो so, ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो इंडिया ने मूट किया है इंडिया ने प्रपोज किया है फॉर द जी ट्वेंटी कंट्रीज एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है आगे पता लगेगा विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लोसेज फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड हजार तो ये वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री अनाउंस द ट्वेल्व पॉइंट डेवलपमेंट प्लान फॉर पैसिफिक आइलैंड नेशंस तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया इंडिया ने जो है ट्वेल्व पॉइंट डेवलपमेंट प्लान एसोसिएशन प्लान फॉर द पैसिफिक आइलैंड नेशंस रिलीज किया था कोलोराडो रिवर फ्लोस थ्रो विच कंट्री करेक्ट आंसर इज यू एस ए कोलोराडो रिवर जो है यू एस ए में जो क्लाइमेट चेंज से जो इफेक्ट्स हैं तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी नदी है ये कोलोराडो रिवर सूखा पड़ रहा है वहाँ पर तो सात स्टेट्स ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि अब अब इस नदी को वो बचाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडिंग फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज सोर्स फ्रॉम विच फंड तो यूपीएससी की जो फंडिंग आती है वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं उनको स्टेट से मिलती है फॉरन शॉपिंग इज ए टर्म यूज फॉर इन विच फील्ड तो जुडिशियरी में काम आता है फोरम शॉपिंग फोरम शॉपिंग का मतलब ये हो गया है लिटिगेंट्स या फिर लॉयर्स ठीक है ये डेलिबरेटली ऐसी कोशिश करते हैं कि एक पार्टिकुलर जज को ना मिलके कोई दूसरे जज के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाए केस ऐसा जज के पास केस को ट्रांसफर कर दिया जाए जिससे फेवरेबल रिजल्ट आने की या फेवरेबल जजमेंट लेने की वो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हों तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फोरम शॉपिंग मनचाहा जज प्राप्त करने की इच्छा लॉयर्स के द्वारा या लिटिगेंट्स के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इनेक्टेड ए न्यू लॉ दैट मैंडेट्स वार्निंग लेबल्स ऑन एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स तो ये इसका आंसर होगा आयरलैंड वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर बड़ी वार्निंग जो है डिस्प्ले की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द लैंक्वाई इंटरनेशनल मेरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन तो इसका करेक्ट आंसर होगा मलेशिया ठीक है प्लेसेज इन न्यूज़ में आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पी बी आर देट वॉज लॉन्च इन विच स्टेट करेक्ट आंसर इज गोवा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोबितोडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है सो इट इज़ इन आसाम वहाँ पे डिमांड चल रही है कि भाई इस पार्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है एक इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मी अरुणाचलेंसिस तो ये एक ट्री है नई स्पीसीज है ट्री की अरुणाचल प्रदेश में इसको ढूंढा गया है मिला ये अरुणाचल प्रदेश में मिला है और ये कस्टर्ड एप्पल फैमिली का ट्री है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस एक्स इज़ ए ज्वाइंट इनिशियेटिव ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री तो ये हो गया इंडस एक्स जो है इंडिया एंड यू का हो गया बेसिकली इट इज़ ए ज्वाइंट इनिशियेटिव ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स तो डिफेंस से रिलेटेड हो गया ये डिफेंस प्रोडक्शन होगा इंडस एक्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान 5.1 स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है जाहिर सी बात है सिविल एवियशन की ये स्कीम है उड़ान स्कीम का वर्जन उड़ान स्कीम जो है ये उड़ान का फाइव पॉइंट वन वर्जन है फोकस रहेगा हेलीकॉप्टर रूट्स के ऊपर ज़्यादातर हेलीकॉप्टर रूट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोर्जी हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज फ्रॉम विच कंट्री बुल्गारिया के हैं ये बुल्गारिया के ऑथर हैं ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले पहले बुल्गारियन ऑथर हैं ये और इनकी जो बुक है जिसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है उसका नाम है टाइम शेल्टर टाइम शेल्टर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटो फ्रंटल कोर्टेक्स ये किस पार्ट में होता है तो ये होता है हमारे ब्रेन में आंखों के जस्ट पीछे ऑर्बिटो फ्रंटल कॉन्टेक्ट कॉर्टेक्स ठीक है ना ऑर्बिट्स <coughs> जो होती हैं आई सॉकेट्स को बोलते हैं इसके जस्ट ऊपर होता है और कॉग्नेटिव फंक्शंस इसके हैं सोशल बिहेवियर हम लोगों का इमोशनल प्रोसेसिंग हो गया डिसीजन मेकिंग हो गया रिवार्ड एंड पनिशमेंट हो गया सोशल बिहेवियर इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है ठीक है किसी रिसर्च की वजह से न्यूज़ में था तो दिस क्वेश्चन वॉज फ्रेम्ड मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एम आर पी एल इंटू हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एच पी सी एल आर द सब्सिडरीज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन तो ये दोनों जो हैं, हैं, है ओ एन जी सी की सब्सिडरीज हैं ठीक है एम आर पी एल और एच पी सी एल दोनों ओ एन जी सी की सब्सिडी नेक्स्ट क्वेश्चन है डांसिंग गर्ल डांसिंग गर्ल स्कल्पचर इज़ ए फेमस आर्ट पीस फाउंड इन विच प्लेस सो ये मोहन जोधड़ो की कलाकृति थी मोहन जोदड़ो की आर्ट पीस थी सबसे फेमस जो इंडस वैली की जो स्कल्पचर्स थी उनमें से एक थी ये ठीक है दस सेंटीमीटर की 1926 में डांसिंग गर्ल की जो स्कल्पचर थी वो मिली थी अभी हाल ही में न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि मई में इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे था और उस टाइम पे पीएम ने कोई इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो का मास्कट रिलीज़ किया था जो कि इसका एक कंटेम्पराइज वर्जन था और उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि जो ओरिजनैलिटी थी उस स्कल्पचर की उसको बिगाड़ दिया गया था इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू डेली नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस तुरी सोम आ रेसी विच वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच ऑफ द स्पीसीज ठीक है करेक्ट आंसर इज कैटफिश लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन इज़ वाट इज़ मिर लोकेटेड इन द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ठीक है तो बेसिकली इट इज़ ए सुपर कंप्यूटर मिर सुपर कंप्यूटर 2.8 पॉइंट एट पीटर फ्लोप की कैपेसिटी वाला सुपर कंप्यूटर है नोएडा के अंदर नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो है वहाँ पे ये रखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस वक्त क्या इस वक्त कौन सा सुपर कंप्यूटर इंडिया का जो है वो सबसे फास्ट है तो इसका आंसर है एरावत एज़ ऑफ जुलाई 2023 एरावत जो है भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है और ये सी पुणे में है ठीक है एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था तो वो परम 8000 थाउजेंड था आप सबको पता ही होगा ठीक है परम 8000 जो है 1991 में इसको इनोग्रेट किया गया था ठीक है तो ये 200 सौ क्वेश्चन थे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे मई के नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो जून का होगा और उसके बाद एक वीडियो और आएगा जुलाई का तो ये तीन वीडियो हैं जिसकी वजह से जो बैकलॉग है पिछले तीन चार महीने का वो कम्प्लीट हो जाएगा कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया जाए थैंक यू वेरी मच धन्यवाद